नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट के बारे में जल्दी से क्विकली उसका डिस्कशन कर लेते हैं. मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर नाउ देखिए, मटेरियल बेसिकली है क्या? इन्वेंट्री, स्टॉक, जो हम लोग खरीद रहे हैं. अब खरीद रहे हैं मटेरियल, खरीद रहे हैं हमारे खरीदना. देखो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये तो आपको मीनिंग पता ही है. डायरेक्ट मटेरियल इज द मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन ईच इंडिविजुअल यूनिट प्रोड्यूस इन द आउटपुट इन द जॉब इन द प्रोसेस. ठीक है जी. इनडायरेक्ट मटेरियल विच कैनॉट बी कन्वीनियंटली इजिली आइडेंटिफाइड, राइट. वो तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट का तो चाहे डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट से ही आप निकाल सकते हो. डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मटेरियल डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट. आप सामान खरीद रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव? आपके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज मीन बाय ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव? ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव होता है यार मेरे पास ना सामान एडिक्वेट सप्लाई में होना चाहिए, मेरे पास कभी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, मेरे पास सामान इतना पड़ा रहना चाहिए कि कभी मेरे को शॉर्टेज ना हो. सोचो, इमेजिन करो, पता चलता है सुबह सुबह उठती है मम्मा और कहती है, ए जी सुनते हो, नाश्ते के लिए ना ब्रेड है, ना चावल है, ना आटा है, ना दाल है, ना सब्जी है. अच्छा, मैगी बना, वो तो कब की खत्म हो गई. दिस बैड नो. तो बात क्या ऑपरेशनल, ऑपरेशनल का क्या ऑब्जेक्टिव है? कि कभी भी शॉर्टेजेस ना हो, एडिक्वेट सप्लाई में हो. और दूसरा नंबर है फाइनेंशियल. यार ऐसा ना हो कि आपके पास सामान बहुत सारा, पता चलता है आप फ्रिज खोलते हैं और जो है दूध की शीशे वाली बोतलें हैं, यूं आपने खोला, मम्मी ने मेरे को आशीर्वाद दिया था दूधो नहाओ, ऐसा क्यों दूधो नहला रही हो मम्मा, क्यों भर दिया इतना. है जी, फाइनेंशियल. ये ना हो कि बहुत ज्यादा स्टॉक हो, ये ना हो कि बहुत कम हो. देखो फाइनेंशियल में क्या है, आप इन्वेंटरी को कैरी करते हो. अगर बहुत ज्यादा रखोगे उसकी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, उसकी फाइनेंस कॉस्ट, उसका ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट, उसके पेरिश होने का नुकसान, उसका उसका जो स्टोरेज का खर्चा है जी, उसका ऑब्सोलीट या जो भी पेरिश होने का खर्चा, एज द केस में भी. सो लेट्स डिस्कस वंस अगेन. सबसे पहले वंस अगेन लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशनल. ऑपरेशनल विजुअलाइज करो, ये साथ में क्या है सर जी? स्टॉक्स हैं. तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव मींस द मटेरियल्स एंड स्पेयर शुड बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी सो दैट द वर्क इज नॉट डिसरप्टेड फॉर द वांट ऑफ इन्वेंटरी. कभी भी हमारा शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए. वी आर ट्राइंग टू अचीव सच अ थिंग कि भाई हमारे पास एडिक्वेट इन्वेंटरी है एट ऑल द टाइम्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल. फाइनेंशियल का क्या है? अब ये देखो, ये इशारा, ये क्या है? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मींस द इन्वेस्टमेंट्स इन द इन्वेंटरी शुड नॉट रिमेन आइडल. भैया फालतू में पैसे मत लगा के रख, कैश मत लगा के रख. ज्यादा सामान रखेगा, बहुत ज्यादा रखेगा तब भी गड़बड़ है, बहुत कम रखेगा तो भी गड़बड़ है. तो एडिक्वेट होना चाहिए. तो क्या है? शुड नॉट रिमेन आइडल. ये ना हो कि बहुत सारा सामान लगा रखा है, बहुत ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट खर्च कर रहे हो, बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्ट कॉस्ट खर्च कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऑब्सोलेसेंस पेरिश है जी होने का रिस्क जो है उठा रहे हो. नॉट सेंसिबल एट ऑल. सो एडिक्वेट होना चाहिए, सरप्लस भी नहीं होना चाहिए. ऑपरेशनल सफिशिएंट होना चाहिए और फाइनेंशियल इतना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कैरिंग कॉस्ट भी नहीं होनी चाहिए. अब बढ़ते हैं आगे. नाउ यू कैन चूज योर सप्लायर. मटेरियल खरीदना है, आप सप्लायर चूज कर सकते हैं. चॉइस ऑफ सप्लायर, ये आप लोगों को याद होगा कॉन्सेप्ट, चॉइस ऑफ सप्लायर. आपने कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए हुए इसके बारे में कि भाई हमारे पास एक से ज्यादा सप्लायर है, हम कौन से सप्लायर से सामान मंगवाएंगे? वो सप्लायर जो कि हमारी डिजायर्ड क्वांटिटी क्वालिटी हमारे रीजनेबल टाइम में लीस्ट कॉस्ट में हमें देने को तैयार होता है. हाँ जी, आफ्टर इनवाइटिंग टेंडर्स कोटेशंस, डू यू रिमेंबर एक परचेज ऑपरेशन नाम की एक चीज बताई थी मैंने आपको, कुछ कार्टून्स भी दिखाए थे. मैं एक बार फिर उसको क्विकली रिकैप भी दे दूंगा क्विकली कि हाँ जी कैसे विजुलाइज कर सकते हो, बट बाद में. पहले अभी चॉइस ऑफ सप्लायर पे फोकस करते हैं. चॉइस ऑफ सप्लायर का क्या फंडामेंटल है? हमारे पास एक से ज्यादा, हमने क्या किया, देखो मेरी बात सुनो, हम ना अभी ना लेट्स से स्टोर कीपर ने बोला, ए रीऑर्डर लेवल हो चुका है, ए परचेज डिपार्टमेंट सुन रीऑर्डर लेवल पहुंच चुका है, सामान खरीद के देना. तो हमने कहा ठीक है जी, खरीद देते हैं. सीधा ऑर्डर नहीं प्लेस करते, सीधा परचेज ऑर्डर नहीं दिया जाता. पहले क्या किया जाता है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, आरएफपी, याद है? आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद क्या किया जाता है? वो टेंडर्स भेजते हैं, कोटेशंस भेजते हैं. फिर उसके बाद उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे जो हमें आफ्टर इनवाइटिंग टेंडर्स या कोटेशन फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स, द सप्लायर अग्रीज टू सप्लाई द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस शैल बी प्लेस्ड एन ऑर्डर. उसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे जो हमें हमारे को लोएस्ट कॉस्ट में देने को तैयार है. लेवल ऑफ इन्वेंट्री, डू यू रिमेंबर लेवल ऑफ इन्वेंट्री? अलग अलग तरह की लेवल ऑफ इन्वेंट्री. मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी, बट आज मैं वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं रिवीजन करा रहा हूँ. ठीक है जी, मैंने कहानी बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाई थी जिससे कि आपको ये याद हो जाए. लेट अस डिस्कस लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी. लेवल ऑफ इन्वेंटरी क्या था? लेवल ऑफ इन्वेंटरी एक्चुअली क्या होता है? हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, किस लेवल पे करें, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए. देखो मेरी एक बात सुनो, एक सिंपल सी बात ये बोलूंगा, हर एक इन्वेंट्री की ना अपनी डिमांड सप्लाई कंडीशन होती है. कोई इन्वेंट्री जो है बहुत ज्यादा जल्दी पेरिश हो सकती है, कोई इन्वेंट्री जो ड्यूरेबल हो सकती है. तो हर इन्वेंट्री की अपनी
हर इन्वेंट्री की अपनी लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री होती है। कोई सामान सोचो, इमेजिन करो, आटा आपके पास बहुत ज्यादा होता है, नमक आपके पास बहुत कम होता है जी, आपके पास दूध जो है रोज आता है, तो लेवल ऑफ इन्वेंट्री, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द इन्वेंट्री इन द स्टोर रूम, एक मैन्युफैक्चरर जो है कैरीज इन्वेंट्री इन द स्टोर रूम, स्टोर रूम में जो इन्वेंट्री कैरी करता है, ईच इन्वेंट्री हैज इट्स ओन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, हर एक की डिमांड और सप्लाई कंडीशंस है। कहने का मतलब जैसे दूध जो है रोज डिमांड किया जाता है और फिर कंज्यूम होता रहता है, सप्लाई रोज आ जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है। और कोई ऐसी चीज हो जिसकी स्केसिटी हो, कोई ऐसा सामान हो, कोई ऐसा मटेरियल हो जिसकी स्केसिटी हो, तो दिक्कत हो जाएगी, हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, है ना जी, एंड सो ऑन एंड ऑन। कई सारी चीजें होती हैं, आपको पता होगा, कई लोग क्या करते हैं, टमाटर जो है महंगे हुए, लेकिन कई लोगों ने मालूम है क्या कर दिया था, पहले से ही ना टमाटर को पिचका पिचका के धड़ाक धुड़ुम धुड़ुम करके उसकी प्यूरी बना बना के अपने फ्रीजर भर रखे थे, पता है? डू यू नो हमारे यहां होता है ऐसे, हमारे घर पे टमाटर की प्यूरी बनाई जाती है। टमाटर जब महंगे हुए, मैं ये नहीं कहता कि हमें फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा, लेकिन हमारे पास जो हफ्ता तो हमारा काम उसी से चल गया था, फिर उसके बाद महंगे वाले खरीदने पड़े, फिर आई सॉरी भी इतने लूट रहे हैं यार। अच्छा खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं, लाओ यार इसको एक मिनट, यार भाई 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 इसका चार्जिंग नहीं लगाया तुमने, ओए होए, प्लग ऑन करो भाई जल्दी, चलो हो गया सेट, ओके लाओ यार ले आओ। नाउ डिस्कस करते हैं जल्दी से, ये क्या इशारा है, री ऑर्डर लेवल इज द लेवल एट विच द ऑर्डर शुड बी प्लेस टू द सप्लायर। जब भी कभी हमारा सामान इस लेवल पे पहुंचेगा तो हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। एक पर्टिकुलर लेवल आता है तो आपकी मैया कहती है, ए जी सुनो आटा खत्म होने वाला है, अरे बेटा जा जरा ब्रेड लेके आ, हां अच्छा बच्चे एक काम करो चावल लेके आना, मतलब दाल लेके आना, मतलब नमक लेके आना, मतलब हर एक इन्वेंटरी का अपना रीऑर्डर लेवल होता है। रीऑर्डर लेवल इज द लेवल एट विच द ऑर्डर शुड बी प्लेस। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है, जनरली ऐसे किया जाता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इन मैक्सिमम पीरियड दैट वी आर रेडी फॉर द मैक्सिमम डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर, राइट। नेक्स्ट सेफ्टी स्टॉक लेवल, अच्छा सॉरी मैक्सिमम लेवल, यार ये तो बहुत जल्दी आ रहा है, मैक्सिमम लेवल, देखो ये इशारा है, ये बोतल भर दी गई, अरे बस 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 बस, हां मैक्सिमम लेवल। सो मैक्सिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल इज द लेवल एट विच इससे ज्यादा कभी सामान होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा सामान पड़ा रहेगा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे निकलता है, रीऑर्डर लेवल पे हम लोग सामान मंगवाते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी मंगाते हैं, डू यू रिमेम्बर वो कहानी, रीऑर्डर लेवल पे रीऑर्डर क्वांटिटी मंगाई जाती है लेकिन एकदम से कभी नहीं आती, कुछ टाइम तो लगता ही है, मिनिमम टाइम, मिनिमम पीरियड और मिनिमम यूजेज या कंजम्पशन जरूर लगेगी, तो अकॉर्डिंगली डू यू रिमेंबर रीऑर्डर लेवल पे रीऑर्डर क्वांटिटी मंगाएंगे लेकिन एकदम से नहीं आएगी, मिनिमम कंजम्पशन। डू यू नो कंजम्पशन को हम लोग यूजेज भी कहते हैं, डू यू नो दैट डिलीवरी पीरियड को रीऑर्डर पीरियड भी कहते हैं, लीड पीरियड या लीड टाइम भी कहते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड इसमें से माइनस कर देंगे। देखो ऐसा है, जैसे मैंने आपको बोला था, रीऑर्डर लेवल पे रीऑर्डर क्वांटिटी मंगाया एकदम से कभी नहीं आएगा, ये कभी आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम कुछ दिन तो लगेंगे, कुछ समय तो लगेगा ही, और कम से कम कुछ यूजेज या कंजम्पशन तो होगी ही जब तक ये सामान आएगा। ये इशारा है क्या है, सेफ्टी स्टॉक लेवल या मिनिमम स्टॉक लेवल, हम लोग क्या कहते हैं इसको, कैसे डिफाइन करते हैं, सेफ्टी स्टॉक लेवल इज द आइडियल इन्वेंटरी लेवल एट विद द ऑर्डर्ड मटेरियल शुड बी रिसीव्ड। आइडियली जो हमने सामान मंगवाया है इस लेवल पे मिल जाना चाहिए, आइडियली हम रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, आइडियली कौन सी कंजम्पशन होनी चाहिए, आइडियली मैक्सिमम मिनिमम या नॉर्मल, आइडियली नॉर्मल, आइडियली मैक्सिमम पीरियड मिनिमम पीरियड नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल आइडियल मींस नॉर्मल भैया, ना मैक्सिमम प्रेशर हो ना मिनिमम प्रेशर हो। तो हम लोग क्या कहते हैं, रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इसको बफर स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल भी कहा जाता है, तो रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड, एक्सीलेंट। एवरेज स्टॉक लेवल, या अबे यार जल्दी है तुम्हें, अब ये देखो ये इशारा है, देखो पहले वापस जा, देखो 20 की स्पीड से फिर 80 की स्पीड, 20 और 80 का एवरेज कितना हो गया 50, 20 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल इज द इन्वेंटरी लेवल विच इज हेल्ड ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर, कभी तो मिनिमम होगा कभी मैक्सिमम होगा, ऑन एन एवरेज कितना होगा बताओ, कैसे निकलता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक और तरीका भी बताया था मैंने, मैक्सिमम मिनिमम डिवाइड बाय 2 तो एक तरीका हुआ, दूसरा मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एक्सेलेंट। मिनिमम लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, देयर आर टू अप्रोचेस। ये दूसरी अप्रोच मैंने आप लोगों को ईओक्यू से डिराइव करके बना के दिखाई थी कि ये दूसरी अप्रोच है वो भी लॉजिकल है, इन दोनों का आंसर सेम भी आ सकता है डिफरेंट भी आ सकता है, वो सेम कब आएगा डिफरेंट कब आएगा वो सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं आती, बट मैंने आपको डिराइव करके बना के बता रखे हैं, पाकी बातें बाद में करते हैं। नाउ ये इशारा है क्या है,
Absolutely, I'm so proud of it. Danger level, danger level. देखो ऐसे कभी भी danger level पहुंचना नहीं चाहिए, हमें कभी भी नहीं पहुंचना चाहिए इस level पे. इस level पे अगर order place कर रहे हो तो ऐसे chances हैं कि stock out हो सकता है या shortage हो सकती है. ये तो ऐसे level है. मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पे होगा ही. Danger level ये है कि इस पे shortage होने के आसार हैं, स्टॉक आउट होने के आसार हैं. तो हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कंजप्शन या नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस, या इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड भी कहा जाता है इसे. नॉर्मल यूजेज मल्टीप्लाइड बाय, देखो ऐसा है, आपकी जो नॉर्मल यूजेज है, जितनी नॉर्मल यूजेज है आप उसको अचीव कर पाओ कम से कम. देखो बात क्या है, आप सोचो, इमेजिन करो, रीऑर्डर वाला आके चला गया, पता ही नहीं चला, और भैया ऑर्डर नहीं प्लेस किया, अब प्लेस कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो, स्टॉक आउट हो जाएगा. नहीं, तुम फिर भी नॉर्मल यूजेज शायद सरवाइव कर जाओ. अगर तुम्हारे ऊपर सप्लाई का प्रेशर आया या डिमांड का प्रेशर आया कोई भी, तो भैया तब तो है ये डेंजर तो है ही है. मैं तो कह ही रहा हूं कि भैया नॉर्मल यूजेज शायद तुम सरवाइव कर लो, बट स्टिल. अच्छा, अगर आपको मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस या इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड ना दिया हो तो आप क्या अज्यूम करते हो, मिनिमम डिलीवरी पीरियड के आसपास. ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये सारे के सारे जो मैं अभी बातें कर रहा था वो सारी की सारी बातें यहां पे. अच्छा एक बात बताओ, जो आप मिनिमम लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल निकालते हो उसमें रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, पहली चीज. कंजम्पशन को यूजेज भी कहते हैं, रिमेंबर, कंजम्पशन को यूजेज भी कहते हैं. अगर नॉर्मल ना दिया हो तो एवरेज लोगे, एवरेज कौन सा पसंद करोगे, एवरेज कौन सा पसंद करोगे, सिंपल या वेटेड? इफ पॉसिबल वेटेड एवरेज, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. इफ नॉट, डेटा इज नॉट गिवन, देन इन दैट केस वील टेक सिंपल एवरेज. सो लेट अस सी इंपॉर्टेंट नोट्स. हम लोग क्या करें, कंजम्पशन को यूजेज भी कहते हैं पहली चीज. तो आप कंजम्पशन को यूजेज भी कहते हैं, रीऑर्डर पीरियड को लीड पीरियड, लीड टाइम डिलीवरी पीरियड भी कहते हैं, और नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल यूजेज आपको ना दिया हो, ठीक है जी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज यूजेज निकाल सकते हैं. प्रेफरेबली वेटेड एवरेज प्रेफर करना, अगर पॉसिबल है, नहीं है तो सिंपल एवरेज पसंद कर लेना. मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस अगर आपको ना दिया हो तो मिनिमम डिलीवरी पीरियड के आसपास में कोई भी लेके नोट दे देना, अजम्पशन दे देना, चिपका देना, ठीक है जी. ये सारी चीजें वैसे मैंने किताब में लिख के दी हुई हैं, मेरी मेन बुक में भी हैं, मेरी पॉकेट बुक में भी हैं ये सारी चीजें. हाँ, थ्योरी मैंने यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ी एक्स्ट्रा कवर कर रखी है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सारे ढंग से, तमीज से किताब में कवर्ड है. अब प्लीज आप लोग रिवाइज कराएंगे जल्दी से. रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड. नाउ मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड. बहुत बढ़िया. नाउ मिनिमम या सेफ्टी स्टॉक लेवल या बफर स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड. नॉर्मल ना दिया हो तो एवरेज लोगे, एवरेज में कौन सा प्रेफर करोगे, वेटेड एवरेज. इफ नॉट गिवन सिंपल एवरेज. बहुत बढ़िया. देन टेल मी डेंजर लेवल, नॉर्मल यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस. अगर वो ना दिया हो तो मिनिमम डिलीवरी पीरियड के आसपास अजम्पशन लेना. जैसे मिनिमम डिलीवरी पीरियड है 5 दिन, तो 5 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, 6 दिन ले लो, नोट दो, नोट देना. हमारे देश में नोट से काम चल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अगली चीज प्लीज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. डू यू रिमेंबर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो सामान है जो कि मेरे को मंगाना है. मेरे को एक बार में कितना सामान मंगाना है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमाइन करने के दो तरीके हैं. डू यू रिमेंबर? एक टैबुलेशन मेथड था और एक फॉर्मूला मेथड था. एक बार फिर, तो परचेज हमें कितना करना चाहिए, एक बार में कितना साइज मंगाना चाहिए. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमाइन करने के दो तरीके हैं, एक है फॉर्मूला मेथड, दूसरा है टेबुलेशन मेथड. फॉर्मूला मेथड किसने दिया था? एक तो विल्सन को, बड़ा, ही इज वेरी फेमस फॉर दैट. सेकंडली बॉमल ने उसके कई सारे यूजेस बताए थे, कैश मैनेजमेंट में भी बताया था, और उन्होंने कई सारी चीजें जो है एड ऑन की थी. तो हम इसीलिए इसका क्रेडिट जो है दो लोगों को देते हैं, प्राइमरली विल्सन का नाम लिया जाता है, बट दूसरा कई लोग बॉमल मॉडल भी कहते हैं. विल्सन मॉडल, बॉमल मॉडल, हम दो तरीके से कहते हैं. दूसरा नंबर, टेबुलेशन मेथड का नाम टेबुलेशन मेथड कैसे पड़ा? टेबल से, कि हम टेबल बनाते हैं. इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है. बेसिकली जुगाड़, हम लोग जो है अपनी तरफ से अलग अलग ऑर्डर साइज अज्यूम करके हम लोग जो है टेबुलेशन मेथड डिटरमाइन करते हैं, ठीक है जी. आगे, नाउ विल्सन मॉडल. विल्सन मॉडल का आप लोग मेरे को हेल्प कर रहे हैं. विल्सन मॉडल के सबसे पहली चीज अजम्पशंस. प्लीज हेल्प मी अजम्पशंस, जल्दी जल्दी. सबसे पहली चीज अजम्पशंस ऑफ ईओक्यू में, सबसे पहला अजम्पशन दैट द एनुअल रिक्वायरमेंट इज नोन इन एडवांस विद अ सर्टेनिटी. जैसे फॉर एग्जांपल ये के साहब है, इनको क्या पता है जी, भाई साहब आई नीड 1,00,000 किलो ऑफ रॉ मटेरियल एक्स. मुझे पता है प्रिसाइसली, ना मुझे 1,00,000 से कम ना मुझे 1,00,000 से ज्यादा, मुझे पहले से ही पता है मुझे कितना सामान चाहिए. आई नो. सो पहला अजम्पशन क्या है, दैट द एनुअल रिक्वायरमेंट इज नोन इन एडवांस विद अ सर्टेनिटी, राइट. दूसरा क्या है, इवन कंजम्पशन है. डू यू रिमेंबर? यूजेज ऑफ द इन्वेंटरी इज इवन थ्रू आउट द ईयर. कहने का मतलब, जैसे एक दिन में जितना यूज हो रहा है, डे वन पे, डे टू पे भी उतना ही यूज हो रहा है, डे थ्री पे भी उतना ही यूज हो रहा है, डे फोर पे भी उतना ही यूज हो रहा है. कहने का मतलब,
हम लोग क्या कह रहे हैं, इवन कंजम्पशन है, कभी ऐसा नहीं है। देखो आप चपाती खाते हो, कभी ज्यादा खा लेते हो, कभी कम खा लेते हो, यहाँ कभी नहीं होगा, यहाँ माना जाएगा इवन कंजम्पशन है। ज्यादा खाते हो इसलिए तो मोटे हो जाते हो, कम खाते हो तभी तो सूख जाते हो। कहने का मतलब इवन कंजम्पशन है, इवन यूजेज है थ्रू आउट द ईयर। तीसरा अजम्पशन दैट द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रिमेंस कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या कह रहे हैं, आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 1,00,000 किलो, 500 रुपए लग गए। आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 50,000 किलो रॉ मटेरियल एक्स, 500 रुपए लग गए। आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 20,000 किलो रॉ मटेरियल एक्स, 500 रुपए लग गए। आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 10,000 किलो रॉ मटेरियल एक्स। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परचेज प्राइस। आपने जो फोन किया हैं जी, जो सामान मंगवाने का खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर में क्या क्या आता है, हमने कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर में प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द सप्लायर, परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे हैं जी, और उसके अलावा जो वहां से कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द मटेरियल, अपना बंदा भेजा, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग द मटेरियल, उसने भेजा हमारे पास, पहुंचा तो मैंने इंस्पेक्ट कराया, वहां पे उन्होंने लोड किया, हमने यहां अनलोड कराया, ये सारे खर्चे आते हैं। ये सारी चीजें मैंने लिख के दी हुई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है किताब में, कोई टेंशन नहीं है। तो ये लिखा है नहीं लिखा है सब चलता है। अच्छा जी, द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मींस कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर साइज, राइट। फिर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस। कहने का मतलब ये देखो, ये विजुअलाइजेशन है, ये इन्वेंट्री को कैरी कर रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय कैरिंग? इन्वेंट्री को स्टोर कर रहे हैं, तो एक फिक्स परसेंटेज है। टेक एन एग्जांपल, आपने कहा भाई 10% हमारा कैरिंग कॉस्ट का रेट है, व्हाटएवर ऑफ परचेज प्राइस, फिक्स परसेंटेज। अच्छा फिर क्या, कैरिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड ऑन एवरेज ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, जितना मंगाएंगे उसका एवरेज कैरी करेंगे। डू यू रिमेंबर दिस अजम्पशन? जैसे मैंने 1,00,000 किलो मंगाया तो ऑन एन एवरेज मैंने कितना कैरी किया, 50,000 किलो। अगर मैंने 1,00,000 किलो मंगाया तो मैंने 50,000 किलो कैरी किया, राइट। इसी तरीके से अगर टेक एन एग्जाम्पल, मैंने 50,000 किलो मंगाया है जी, तो उस केस में मैंने कितना कैरी किया, 25,000 किलो थ्रू आउट द ईयर। ऐसे करके जितना भी मंगाते हैं, आरओ क्यू रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, राइट, जितना भी मंगाते हैं उसका एवरेज कैरी करते हैं ये। नहीं तो आप क्या है, चौथे और पांचवे को मर्ज कर सकते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ अजम्पशन को मर्ज किया जा सकता है। दैट द कैरिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड ऑन, दैट द कैरिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड ऑन एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू, आप परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, ऐसे भी लिया जा सकता है। मैं अब इसकी बहुत ज्यादा गहराइयों में आज नहीं जा सकता, जब कराया था तो ईओक्यू पे एक ही क्लास लगा दी थी पूरी, अभी नहीं डिस्कस करेंगे ज्यादा गहराई में। देन द परचेस प्राइस पर यूनिट रिमेंस कांस्टेंट, डू यू रिमेंबर? नो क्वांटिटी डिस्काउंट। कहने का मतलब ये बंदा कह रहा है, भाई साहब 1,00,000 किलो खरीदने रॉ मटेरियल एक्स के, 1 किलो कितने का पड़ेगा, 10 रुपए। भाई साहब 10,000 किलो खरीदने, अब 1,000 नहीं, बोलो 1 किलो कितने का पड़ेगा, 10 रुपए। भाई साहब 1,00,000 किलो खरीदने, 10 रुपए। यार हदों की कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अजम्पशन था दैट द परचेस प्राइस पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट। दैट द यूक्यू इज द ऑर्डर साइज, जहां एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है जी, ये देखो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट जो है वो इक्वल है, जहां पर है उसको हम लोग यूक्यू कह रहे हैं। और सेफ्टी स्टॉक जो है ये मान के चलता है ये मॉडल अपने आप में कि सेफ्टी स्टॉक्स आर नॉट केप्ट, सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम लेवल नहीं किया जा सकता। आपको याद है, हाय हाय मैंने सीधा क्यों लिख दिया यूक्यू, बताओ, अंडर रूट 2 इनटू ए इनटू ओ अपॉन सी। आई एम प्राउड ऑफ यू। ए स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल या एनुअल रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड, वो ना दिया हो तो एनुअल कंजम्पशन, एनुअल यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम या कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी नाइस, एक्सेलेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देन कंप्यूटेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डू यू रिमेंबर? ऑर्डरिंग कॉस्ट, पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ईओक्यू, ईओक्यू या आरओक्यू, ये मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए, राइट। मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे, ये टेक एन एग्जांपल, मुझे 1,00,000 किलो पूरे साल में चाहिए, कितना चाहिए 1,00,000 किलो, और मेरा ईओक्यू आ रहा है 10,000 किलो, बताओ कितने ऑर्डर दूं, 10 ऑर्डर। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹500, तो बताओ 10 ऑर्डर की कॉस्ट कितनी हुई, 500। तो मैंने क्या करना है, ए डिवाइड बाई ईओ क्यू इंटू ओ, दिस इज वॉट, ये देखो, नहीं सॉरी ये तो आगे वाला गया, कुछ स्लाइड में मारा मारी हो गई। ये आएगा आपका एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ए डिवाइड बाई ईओ क्यू इंटू ओ। अच्छा फिर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ईओ क्यू डिवाइड बाई 2 प्लस, अगर सेफ्टी स्टॉक है तो प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल, याद है कुछ, ईओक्यू डिवाइड बाय 2 प्लस अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल हो तो, अगर हो
इफ सेफ्टी स्टॉक लेवल इज केप्ट, वैसे फॉर्मूला मेथड अपने आप में अज्यूम करता है कि नहीं है, तो इनटू सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये यार ये पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, तो क्या हो गया इसको, एक मिनट यार सिर्फ मेरे को लाना इसकी स्लाइड को। नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, बस होने वाला है, टेंशन ना करो, टेंशन करने से कोई काम सही नहीं होता। ओके लेट अस क्विकली डिस्कस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर में क्या क्या चीजें आती हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अगर आपने निकालना है तो उसमें क्या क्या आएगी, क्या क्या खर्चे आएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट में, राइट सबसे पहली चीज ऑर्डरिंग कॉस्ट में हमारा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बिल पेमेंट, हम लोग बिल पे कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग मटेरियल, मैंने यहां से बंदा भेजा वहां से लाने के लिए, मेरे परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे है जी, वहां से लोडिंग यहां पे अनलोडिंग, सारे के सारे खर्चे, डू यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर गुड, इफ नॉट ये देखो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल, उन्होंने भेजा हमने रिसीव कर लिया, कलेक्टिंग मटेरियल हमने बंदा भेजा उठवा लिया, परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे, कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग मटेरियल, कैरेज इनवर्ट जैसा भी आप कह दो इसे, लोडिंग वहां से लोड हुआ यहां अनलोड हुआ, बिल पेमेंट हम लोग यहां से जो उनको एज द केस में भी आरटीजीएस या जो भी है एनईएफटी या ऐसे केस में भी ड्राफ्ट बना के भेज रहे हैं, ठीक है जी। देन इंस्पेक्शन कॉस्ट, अगर यहाँ पे सामान आया, रॉ मटेरियल आया जो हमने मंगवाया, पता चला हमने जो है कौन सा तेल मंगाया था, सरसों का तेल, किस चीज के लिए, ब्रेड पकोड़ा तलने के लिए, और उन्होंने भेज दिया मिट्टी का तेल, तो इंस्पेक्शन नहीं करोगे तो हो जाएगा ना चीज, हाँ भैया तेल खोल छोटू तेल आ गया, हाँ कढ़ाई में डाल, हाँ ब्रेड पकौड़ा तल दे, भाऊ जी इसमें हाँ तेल आ गया ना, हाँ तल दे, बाबूजी आप खाओगे, हाँ हाँ मेरे लिए ही, तू भी खा लियो, नहीं बाबूजी मैं नहीं खाऊंगा मेरा पेट भरा हुआ है, फिर उसके बाद जैसे बाबू बाहर आता है, ये क्या है मिट्टी का तेल, बाबूजी आपने कहा था तेल में तल दें, वे तूने देखा नहीं था, बाबूजी मैंने तो कहा था इसी तेल में, तूने इंस्पेक्ट नहीं किया था, बाबूजी मैंने तो कहा था आप चुप। तो खैर मुद्दे की बात पे आते हैं, फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस में हम रस्ते का इंश्योरेंस है जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एज द केस में भी, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाती है, कैसे इस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ जाती है। ओके अब कैरिंग कॉस्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, डू यू रिमेंबर कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, स्टोरेज का खर्चा, मटेरियल का, स्टोर रूम में कोई भी हैंडलिंग का खर्चा, स्टोर रूम का रेंट, स्टोर कीपर की सैलरी, स्टोर रूम का लाइटिंग का खर्चा, स्टोरेज में जितना भी खर्चा है, स्टोर रूम में जहां सामान पड़ा है उसकी इंश्योरेंस का खर्चा, स्टोर रूम में जो भी हमारा सामान पड़ा है उसमें यार पैसा लगा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट है ना जी, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट, उसकी ब्रेकेज कॉस्ट, उसकी नॉर्मल स्पॉइलेज, नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड है स्पॉइलेज ब्रेकेज जो जितनी हमारी नॉर्मल, स्टोर रूम में जो हैंडलिंग का खर्चा है, सारे के सारे खर्चे सबको समअप करो है जी, उसका इंश्योरेंस का खर्चा एंड सो ऑन एंड ऑन। देखो स्टोरेज कॉस्ट, स्टोर रूम का रेंट, स्टोर कीपर की सैलरी, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द एवरेज इन्वेंटरी, एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल हेल्ड इन द स्टोर रूम, एनुअल स्पॉइलेज, वेस्टेज, डिटेरियोरेशन, लीकेज एक्सपेक्टेड नॉर्मली इन रिगार्ड टू मटेरियल, ये सारा का सारा एज इट इज, मैं फिर से बोल रहा हूँ मैंने आपको लिखवाया हुआ है, लिख के भी दिया हुआ है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपने लिखा हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है जी, वहां से पढ़ लेना बाद में, मैं अभी नहीं खुलवा रहा बुक्स, ठीक है जी। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर, ये जो भी है स्टोरेज का जितना भी खर्चा है, जितना भी कैरी करने का खर्चा है, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू, राइट। यो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर अब बता दो यार, एनुअल डिमांड ए डिवाइड बाय ईओक्यू या आरओक्यू, बहुत ही बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी नाइस, एनुअल डिमांड या ए डिवाइड बाय ईओक्यू या आरओक्यू इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जैसे मैंने आपको बोला था एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय ईओक्यू या आरओक्यू कितना, 10,000, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 10, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी नाइस। नेक्स्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो अभी निकाला, ए डिवाइड बाय आरओक्यू या ईओक्यू मल्टीप्लाइड बाय ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वाह वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ए डिवाइड बाय आरओक्यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए इनटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नेक्स्ट टोटल एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट 2 इनटू ए इनटू ओ इनटू सी, या फिर आप कैसे कर सकते हो, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा ए डिवाइड बाय ईओक्यू मल्टीप्लाइड बाय ओ प्लस
एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ईओ क्यू डिवाइड बाई टू इंटू सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एज द केस में भी, ये सब एज इट इज लिखा हुआ है, डिट्टो बाद में देखते रहना। नेक्स्ट उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट या रेलिवेंट कॉस्ट प्लस एनुअल परचेज कॉस्ट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बाबा, टोटल एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल परचेज कॉस्ट, शाबाश बाबा, क्या बात है, क्या बात है। टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स, दोस्त कह रहे 360, कोई चाहे 365, कोई चाहे 12 मंथ्स, कोई चाहे वीक्स 52 वीक्स एज द केस में भी, राइट। आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं 360, कोई 365 लेना चाहते हैं मर्जी है, वैसे 360 क्यों लेते, मैंने आपको क्या बताया था, एवरेजिंग लेना पसंद करते हैं क्योंकि अनइवन होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो इसमें मॉडल में अपने आप में अज्यूम किया हुआ है इवन कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर, तो उस हिसाब से हर महीने में बराबर कंजम्पशन के चक्कर में हम लोग जो जनरल इंटरप्रिटेशन लेते हैं 360 दिन ना ईयर लेते हैं, आगे चलते 360 या 12 मंथ्स या 52 वीक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा अगला, एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, बताओ एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, ईओक्यू डिवाइड बाय टू और उसको एवरेज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट प्लस अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल भी है तो वो भी देख लेंगे इनटू परचेस प्राइस पर यूनिट, शाबाश क्या बात है, ईओक्यू या आरओक्यू डिवाइड बाय टू प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल इनटू परचेस प्राइस पर यूनिट, ईओक्यू या आरओक्यू डिवाइड बाय टू प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल, ये हमारा एवरेज स्टॉक हो गया। याद है आपको एवरेज स्टॉक लेवल का दूसरा वाला आंसर, एक था मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय टू, ये कौन सा है, सेकेंड वाला मिनिमम लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ये वही तो है, वहीं से तो मैंने आपको कनेक्शन करके बताए थे जब आपने पढ़ा था इनटू परचेस प्राइस पर यूनिट। ओके इफ इट डज नॉट फिट इन द स्लॉट, ये देखो आहा दैट वन वर्क्स, ये क्या है जुगाड़, कर ले जुगाड़ कर ली कोई जुगाड़, दैट इज टू से हम लोग क्या कर रहे हैं, एनलाइटेंड ट्रायल एंड एरर सक्सीड्स ओवर द प्लानिंग ऑफ लोन जीनियस, एक बंदा जीनियस जो है कल्ला लगा हुआ कुछ नहीं ना भैया, हेलो ट्रायल नर कर लो जुगाड़ कर लो, तो जुगाड़ ईओ क्यू बाय टेबुलेशन मेथड, जुगाड़ मेथड बताओ, वो ऑर्डर साइज हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है जहां एनुअल टोटल कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल परचेस कॉस्ट इज द लीस्ट, ओके शाबाश क्या बात है, लो कॉस्ट, सो ईओ क्यू इज द ऑर्डर साइज एट विच द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट और परचेस कॉस्ट इज द लीस्ट, वाह क्या बात है, शाबाश क्या बात है। अगला एनुअल कैरिंग कॉस्ट बताओ, ईओ क्यू डिवाइड बाय टू, ये मेरा एवरेज ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी हो गया प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, राइट, या फिर आप ऐसे कर सकते हो एवरेज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज, प्रेजेंटेशन आपकी मर्जी है, ईओ क्यू या आरओ क्यू डिवाइड बाय टू प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी, और या फिर एवरेज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट into percentage of annual carrying cost. Next, उसके बाद inventory turnover ratio, inventory turnover ratio बताओ, inventory turnover ratio क्या चीज होती है, बिल्कुल ठीक, inventory turnover ratio होती है कि भाई हमें कितनी बार हमने inventory को consumption में बदला, inventory को हम लोगों ने कितनी बार consumption में बदला, it shows how many times the inventory of raw material gets converted into consumption, inventory turnover ratio, हम लोग क्या कहते हैं, the higher the inventory turnover ratio, the faster the movement of the inventory. याद है inventory turnover ratio निकलती कैसे है? Raw material consumed divided by average stock of raw materials, right? अब इसको आप otherwise ऐसे भी कह सकते हो, 360 days या 12 months या 52 weeks divided by inventory turnover ratio. बहुत बढ़िया. Average stock कैसे निकलता है? Opening plus closing divided by 2. नहीं तो एक और तरीका भी था. Weighted average, if possible, to weighted average is preferred. Weighted average method should be used if information regarding the same is given. ठीक है जी, raw material consumed याद है, opening stock of raw material plus raw material purchase minus closing stock of raw materials. बहुत बढ़िया. Inventory conversion period या inventory velocity, number of days, months, ये अभी आपने देख लिया था 360 days, 12 months, 52 weeks divided by inventory turnover ratio. Okay, next input output ratio. रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कितना इनपुट डाल रहे हो, इनपुट अपॉन आउटपुट इनटू 100, है ना जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 किलो इनपुट डाला और 8 किलो निकला आउटपुट, तो 10 अपॉन 8 इनटू 100 125%, 10 किलो डाला 5 किलो निकला 200%, लाइक दैट इनपुट आउटपुट रेशियो। आगे चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल, अगर हमारा रेगुलर मटेरियल नहीं मिलता है जी, जैसे फॉर एग्जांपल ये अनियंस रेगुलर मटेरियल, वो वाला रेड वाला अनियन है वो नहीं मिल रहा तो हम दूसरे वाला ले लेते हैं, इफ द रेगुलर मटेरियल इज नॉट अवेलेबल देन इन दैट केस व्हाट डू वी डू,
वी चूज द सब्स्टिट्यूट, वी चूज, वी ट्राई टू चूज द सब्स्टिट्यूट, वो मटेरियल जो कि हमें उसका नेक्स्ट बेस्ट है, राइट? तो चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल, इफ इट इज नॉट अवेलेबल तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा सब्स्टिट्यूट मटेरियल करेंगे चूज जो कि हमें लीस्ट कॉस्ट करेगा. कॉस्टिंग का एस्पेक्ट क्या है, जो हमें लीस्ट कॉस्ट पड़ेगा पर यूनिट ऑफ फिनिश आउटपुट. रिमेंबर, मैं एग्जाम्पल दू, डू यू रिमेंबर कॉन्सेप्ट? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक रॉ मटेरियल हमारा जो है 10 रुपए का है, ये शॉर्टेज में है, इसका इनपुट आउटपुट रेशियो है 125%. एक रॉ मटेरियल सब्स्टिट्यूट ₹15 का है और एक रॉ मटेरियल का सब्स्टिट्यूट ₹20 का है, इसका इनपुट आउटपुट रेशियो है 150% और इसका इनपुट आउटपुट रेशियो है 110%. बोलो कौन सा चूज करोगे? ये वाला नहीं मिल रहा, दिस इज नॉट बीइंग, दिस इज नॉट इन द मार्केट. सब्स्टिट्यूट दो हैं, ये एक्स है ये वाई है, दो रॉ मटेरियल. बोलो कौन सा? Why? Of course, कैसे? आप ये देखो यहां पर 15 × 150% that is 22.5 और यहां 20 × 110% means 22. कौन सा सस्ता है? ये सस्ता है. तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने अभी अभी क्या बात बोली थी, मैंने आपको बोला था the material which is costing the least per unit of finished output, per unit of finished output ये 22.5 का है, वो 22 का है, this is obviously better. Okay? आगे, नेक्स्ट, अगला नंबर, डिस्क्रिमिनेशन. एबीसी एनालिसिस, डू यू रिमेंबर? एबीसी एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल करते हैं. वी डू नॉट कीप इन्वेंटरी कंट्रोल, हम लोग जो सेपरेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल करते हैं. हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं इन्वेंटरीज को 3 कैटेगरीज में, ए बी और सी. यहां हम लोग एबीसी कैटेगरीज कैसे करते हैं, ए बी और सी, परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज क्वांटिटी. देखो आइडियल लेवल क्या थे, याद है? डू यू रिमेंबर? 70%, 20% एंड 10%. और परसेंटेज क्वांटिटी 10%, 20% और 70%. ये हमारा आइडियल है. अब आगे, सो दिस इज 70 20 10 10 20 70. इस पे मैक्सिमम कंट्रोल, ए पे मैक्सिमम कंट्रोल, बी पे मॉडरेट कंट्रोल और सी पे मिनिमम कंट्रोल. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल में ये चार्ट भी बनता है. अगर आप यहां देखो इस चार्ट को, अगर याद करो, इफ यू रिमेंबर दिस चार्ट, ये चार्ट क्या है, ये 70% वैल्यू है और 10% क्वांटिटी है. ये 70 वैल्यू है, 10 क्वांटिटी है. अब आगे अगर यहां देखोगे तो दिस इज 20 क्वांटिटी 20 वैल्यू और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 10 वैल्यू एंड 70 क्वांटिटी. तो दिस इज ए बी सी एनालिसिस. अच्छा, और भी क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है एचएमएल, ये तो थियोरिटिकली है. एबीसी का तो एक्चुअली आपको थियोरी प्रैक्टिकल दोनों है, हाई मीडियम लो. एचएमएल हाई में हम लोग, ओए एबीसी में पता है ये परसेंटेज टोटल वैल्यू होती है. एबीसी में क्या होता है, टोटल वैल्यू, जितना सामान पड़ा है, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी हेल्ड. लेकिन एचएमएल में क्या होता है, एचएमएल हाई मीडियम लो में क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट होती है. एक किलो सोना, एक किलो चांदी, एक किलो ब्रोंज. HML क्लासिफिकेशन डज नॉट सी कितना सामान टोटल पड़ा है, दे कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट. एक यूनिट जो महंगी है उस पे ज्यादा कंट्रोल, H पे हाई कंट्रोल, M पे मीडियम कंट्रोल और L पे आप लो कंट्रोल रखेंगे, राइट? तो HML एनालिसिस हाई कॉस्ट के आइटम, यूनिट कॉस्ट जिसकी ज्यादा है, M जिसकी मॉडरेट या मीडियम है, L जिसकी लो है. अब आगे FSN, FSN क्या होता है, फास्ट लो और नॉन मूविंग. फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग. तो आप देखो बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल दीज आर कैटेगराइज. ये देखो इशारा दे रखा है ऐसे, फास्ट मूविंग कार है, मतलब इसका कोई उससे कोई लेना देना नहीं है, एक कछुआ है. और ये तो नॉन मूविंग, ऑब्सोलीट, थका हुआ, थकेला है जी. इसमें क्या है, फास्ट मूविंग मटेरियल्स वो हैं जो कि रेगुलरली बहुत ज्यादा यूज होते हैं, है जी. स्लो मूविंग वो है जो कि बहुत ज्यादा रेगुलरली नहीं बट हाँ धीरे धीरे यूज होते हैं. और नॉन मूविंग तो भैया बेकार पड़े हुए हैं, बस छाती पे बोझ है. खैर वापस आते हैं, देन उसके बाद ये वीईडी, एक तीसरी क्लासिफिकेशन होती है वीईडी, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल. ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इलस्ट्रेशन दिया, जस्ट लाइक दैट कि यार एक ड्रग, कोई अगर लेट्स से किसी को मेडिसिन लेनी है तो ये अस्थमा वाला जो है दिस इज वाइटल, इसके बिना तो बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता. एसेंशियल, जब टूट फूट हो जाए, चोट चूट लग जाए तो दिस इज एसेंशियल, ये तो होना चाहिए. और डिजायरेबल, यार हमने
कोई वाइटामिन्स मल्टी वाइटामिन्स ले ली, दिस इज डिजायरेबल, हो तो अच्छा है, ना भी हो तो भी हम वी कैन डू राइट। तो इसमें क्या है, वीडी एनालिसिस द मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकलिटी। अब ये जो है प्लीज, ये तो मैंने आपको जस्ट लाइक दैट एक दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक घर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया था, बट अदरवाइज दिस इज फ्रॉम प्रोडक्शन पर्पसेस। मैं रॉ मटेरियल क्या बोल रहा हूँ ना, अब मुझे रॉ मटेरियल के एस्पेक्ट देखो, तो सेकंड पैरा पढ़ो, द डिग्री ऑफ क्रिटिकलिटी कैन बी स्टेटेड वेदर द मटेरियल इज सो वाइटल की प्रोडक्शन प्रोसेस उसके बिना हो ही नहीं सकता। जैसे मैं कहता हूँ कढ़ाई पनीर बनाना है, कढ़ाई पनीर बनाना है, पनीर के बिना तो कढ़ाई पनीर बनेगा ही नहीं। सर एक तो बात देखो, दोपहर का टाइम हो रहा है, नहीं उसे मैं एग्जाम्पल बदल दिया, हम लोग जो है दवाइयों भी आ रहे हैं अब खाओ चलो मजाक छोड़ो, जो भी है वाइटल, इसके बिना भाई कढ़ाई पनीर, पनीर के बिना तो बनेगा नहीं, है ना जी। लेकिन एक बात बोले, देन एसेंशियल, ध्यान से सुनना, वाइटल एसेंशियल। यार देखो प्याज, अगर आपका लाल वाला प्याज हो तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हरा वाला भी चल जाएगा, है जी। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिजायरेबल। यार देखो अगर नमक जो है ना आयोडाइज्ड हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी दूसरा नमक भी चलेगा, हमें क्या परेशानी है। अरे समुद्र का पानी लो अंदर डाल दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नमक नमकीन है, समुद्र में नहा के और भी नमकीन। ओके कंट्रोल वापस आते हैं। ओके कंपटीशन ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डू यू रिमेंबर, परचेज प्राइस हम लोग निकालते थे, क्या क्या होता था, इनवॉइस प्राइस लेते थे, उस इनवॉइस प्राइस में क्या ऐड करेंगे, पहले तो इनवॉइस प्राइस में से माइनस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट राइट, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे और फिर नेट इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। नेट इनवॉइस प्राइस में फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे, अगर तो सामान बाहर से इंपोर्ट किया है तो कस्टम्स ड्यूटी ऐड कर देंगे, अगर यहीं पे बनाया है यहीं पे बेचा है तो एक्साइज, एक्साइज नहीं भैया अब जमाना बदल गया है, जीएसटी है, तुम तो पता नहीं किस किस जमाने में जी रहे हो, हम नहीं खेल रहे हैं आपके साथ, हम नहीं खेल रहे आपके साथ, है जी। तो देखो जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तीनों तरह का, ध्यान से सुनना, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, टैक्स आप पढ़ी चुके हो, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड, तीनों आपको पता है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिंपली एक बात बोलूं, हेलो ये सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, यहां पे ऐड जनरली तो होगा ही नहीं, याद रखना, बिकॉज इसका ये रॉ मटेरियल है, इसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा भाई मेरे को, अनलेस वो सवाल में स्पेसिफिकली बोले कि इसका क्रेडिट नहीं मिल रहा, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पे कभी आपने जीएसटी ऐड नहीं करना, अनलेस कि वो बोले जीएसटी क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, अगर वो बोलेगा तो मैं ऐड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। डिफॉल्ट पैरामीटर में आज की डेट में जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है, तो याद रखना अगर आपको परचेस प्राइस का क्वेश्चन आएगा, डू रिमेंबर, डू नॉट कमिट अ मिस्टेक, इफ जीएसटी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, सिर्फ जीएसटी बोला हुआ है इतना, ठीक है जी, जीएसटी एक्स अमाउंट, या आपको पता ही होगा जीएसटी नेट इनवॉइस प्राइस के परसेंटेज पे निकाल दिया जाता है, तो अगर आपको बोल रहा है जीएसटी इज इतना अमाउंट या इतना परसेंटेज, परसेंटेज नेट इनवॉइस प्राइस पे निकाल देना, लेकिन एक बात याद रखना अमाउंट भी वो निकालना इज अ डिफरेंट इश्यू, बट ऐड तभी करोगे जब उसमें सवाल में ये लिखा होगा द क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम मान के चलेंगे क्रेडिट इज अवेलेबल, याद रखना इसको, गलती मत करना। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो मर्जी है उसको ऐड कर दो, पैकिंग चार्जेस उसमें ऐड कर दो, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्चुअली आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, हम लोग जो है उसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स हम लोग जो है उसमें ऐड कर देंगे, फ्रेट इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स, रिटर्नेबल या स्क्रैप वैल्यू ऑफ पैकेजेस हम लोग जो है उसमें से माइनस कर देंगे, याद है आपको, हम लोग सोचो इमेजिन करो बोरों में मंगा रहे हैं, तो बोरे अगर रिटर्नेबल है तो उसकी रिटर्नेबल वैल्यू माइनस कर देना, बोरों की जो कॉस्ट है वो ऐड कर देना, या टेक एन एग्जांपल हम लोग ड्रम्स में मंगा रहे हैं सामान, तो ड्रम की कॉस्ट तेल में या स्पिरिट्स में ऐड कर देना, लेकिन फिर उसकी जो रिटर्नेबल वैल्यू है वो माइनस कर देना। डू यू रिमेंबर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, वापस से आएंगे ट्रेड डिस्काउंट, डू यू रिमेंबर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट माइनस होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं माइनस होता, कैश डिस्काउंट इज इन नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इट इज इन नेचर ऑफ इंटरेस्ट, तो इट इज नॉट रिड्यूस्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट इनवॉइस प्राइस या इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट या परचेज प्राइस एज द केस में भी राइट। ये देखो ये इशारा क्या है, हम लोगों ने अगर कोई डिस्काउंट डिस्काउंट मिल रहा है ठीक है, हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं इन्वेंट्री की, कैश डिस्काउंट इज नॉट रिड्यूस, प्लीज ध्यान देना, इफ जीएसटी पेड ऑन गुड्स इज एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट देन सच जीएसटी विल नॉट बी एडेड व्हाइल कंप्यूटिंग परचेज कॉस्ट। ये रिमेंबर वन थिंग, वंस अगेन आई एम सेइंग वंस एंड फॉर ऑल, डू नॉट फॉरगेट, और प्लीज क्योंकि आप में से कई लोग कह रहे हो कि आपको जीएसटी के बारे में नहीं पता था, तो ये वाला पॉइंट आप लिख लो प्लीज, मैं वेट कर लेता हूं जल्दी से,
ये वाला पॉइंट आप लिख लो, आई एम वेटिंग। ये वाला जीएसटी वाला पॉइंट लिख लो, डू रिमेंबर जीएसटी में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, डू नॉट कमिट अ मिस्टेक इन रिगार्ड टू जीएसटी। If GST paid on goods purchased are eligible for input credit, then such GST will not be added while computing purchase cost. लिख लिया है? हटा दूं? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, डू नॉट फॉरगेट दिस एस्पेक्ट एट ऑल, ये वाली चीज बिल्कुल नहीं भूलनी आपने, ये मैं लिख देता हूं। लाओ यार, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ऑलवेज अज्यूम, क्या चीज अज्यूम करोगे? दैट क्रेडिट ऑन जीएसटी विल बी अवेलेबल। अनलेस सवाल में कुछ दिया हो, हमेशा मान के चलना कि आपको इनपुट क्रेडिट हमेशा मिल जाएगा। ऑलवेज credit on GST will be available always and forever, do remember, do not forget। ठीक है, हटा दूं? ऑलमोस्ट हटा चुका हूं। आपके दोस्त कह रहे हैं सर जी हमारे अटेम्प्ट में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, आपको नॉलेज हो गई है। अब अगर मैं आपके प्रस्पेक्टस से बात करूं, जल्दी से आपके प्रस्पेक्टस से भी बता देता हूं। नंबर एक, इनवॉइस प्राइस में से क्या करना है? एब्सोल्युटली लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रिड्यूस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो यह क्या कहलाता है? नेट इनवॉइस प्राइस। इस नेट इनवॉइस प्राइस में आप क्या ऐड करोगे? नंबर एक आप ऐड करोगे एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर, आपको पता है, अगर परसेंटेज में दियो तो इसके ऊपर कैलकुलेट होगी। तो ये आ जाएगा नेट इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी। पुराने जमाने में कैस्केडिंग इफेक्ट लगता था, टैक्सेशन का कैस्केडिंग इफेक्ट, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। नेट इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी, इसमें आपने क्या करना है? ऐड करना है सेल्स टैक्स। ठीक है जी, इसके ऊपर परसेंटेज निकलेगा, परसेंटेज। और फिर अगर आपने इंपोर्ट किए गुड्स, तो इंपोर्ट कस्टम्स ड्यूटी आपकी ऐड होगी। इंपोर्ट कस्टम्स ड्यूटी किस पे होगी? नेट इनवॉइस प्राइस पे, पता है ना। इंपोर्ट कस्टम्स ड्यूटी, अगर आपने सामान बाहर से मंगाया है तो एक्साइज ड्यूटी तो लगेगी नहीं, क्या कहते हो? इंपोर्ट कस्टम्स ड्यूटी। राइट, ये आप ले लेंगे। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो वो परसेंटेज किस पे निकालोगे? नेट इनवॉइस प्राइस पे। फिर बाकी सारी चीजें तो सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। वहां से पैकिंग चार्जेस ऐड कर दो और उसके जो एम्प्टीज हैं उसके रिड्यूस कर दो, रियलाइजेबल वैल्यू या रिटर्नेबल वैल्यू। ड्रम्स वर्म्स वापस करते हैं तो उसकी रिटर्नेबल वैल्यू माइनस कर दो, और एज द केस में भी उसके रियलाइजेबल वैल्यू अगर मार्केट में बेचते हैं, लेट्स से पुराने बोरे हम लोग जो बेच देते हैं तो उससे जो मिलता है नॉर्मली वो माइनस कर दो। फिर लोडिंग चार्जेस ऐड कर दो, अनलोडिंग चार्जेस ऐड कर दो, रस्ते की ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड कर दो, बाकी सारी चीजें तो एज इट इज आ ही जाएंगी। हटा दो इसे,
ये तो वही पुराना वाला, ये तो आपको पता ही है। अब आगे, here we go, once again, ये देख लो, ये सारी चीजें, पैकिंग चार्जेस आ जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग आ जाएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा, देन उसके बाद कैरेज इनवर्ट्स एज द केस में भी, और रिटर्नेबल वैल्यू माइनस कर देंगे। अब कुछ स्पेशल आइटम्स है, आप लोगों ने नाम सुना हो डीमरेज चार्जेस। डीमरेज चार्जेस कौन से होते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल देता हूं, डीमरेज चार्जेस का एग्जांपल प्लीज ध्यान देना। सोचो सामान पहुंच गया, क्या हुआ? सामान पहुंच गया, कहां पहुंच गया? हमारे यहां पहुंच गया। सोचो, इमेजिन करो, हमारा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का बंदा है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का बंदा है जिसने रॉ मटेरियल जो मंगाया उसकी इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है जी। हमने सामान ऑर्डर प्लेस कर रखा है, रीऑर्डर लेवल आया था उस पर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, रीऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस कर दिया था, वो रीऑर्डर क्वांटिटी एक ट्रक में बैठी और वो ट्रक हमारे यहां पहुंच गया है, वो ट्रक हमारे फैक्ट्री गेट पे पहुंच गया है। और इस इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है, और अदर और कोई बंदा ही नहीं है इसमें, एक ही बंदा है, और इसके भतीजे की शादी है और ये छुट्टी पे है। अब ट्रक वाला आ चुका है, अब इंस्पेक्शन किए बिना अगर सामान की एंट्री दे दी तो इनके ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अगेंस्ट है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अगेंस्ट है, तो ये उसको एंट्री दे ही नहीं सकते। तो गेट कीपर कहता है, सॉरी सर, जब तक हम देख नहीं लेते कि सामान आप सही वाला लाए हैं कि नहीं लाए हैं, और यहां पे हमारे ऑथराइज पर्सनल नहीं है, सॉरी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो कहता है, अबे क्या मतलब? इमेजिन करो, आपके यहां कोई कुरियर वाला आया हुआ, आप कहते हैं, देखो जी मैं तो हूं घर पे, लेकिन जिसने साइन करना था वो नहीं है घर पे। तो कहते हैं, आप अंगूठा ही लगा दो, अंगूठा लगा दो। नहीं, साइन हम करना जानते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि जिसके नाम की चिट्ठी है वो यहां नहीं है, हम नहीं करेंगे साइन, हमारा उससे झगड़ा हुआ हुआ है। ओके, चलो मजाक छोड़ो, सिंसियर नोट पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये बंदा ट्रक लेके खड़ा रहता है एक दिन 24 घंटे। अब वो 24 घंटे बाद जो है जब सामान उतारता है वो क्या कहेगा? ओए डीमरेज चार्जेस, पेनल्टी लगाऊंगा मैं तुम्हें, आई विल लेवी पेनल्टी। क्या मतलब है यार, तुमने सामान ही नहीं लिया, मेरी तो एक दिन की दिहाड़ी मारी गई, मैं तो कहीं और से कमा लेता, क्या कहते हो? आई वुड हैव अर्न फ्रॉम समवेयर एल्स, बिकॉज माई ट्रिक्स टूड हियर आई एम लूजिंग मनी, आई विल चार्ज यू 15,000, 5,000, 10,000, व्हाटएवर पेनल्टी, शुड बी एडेड टू द परचेज कॉस्ट, यस और नो? डीमरेज चार्जेस, यस और नो? नो, दुष, जो भी बोल रहे, यस। चुल्लू भर पानी नहीं, बूंद भर पानी ले और छपाक मार, वापस ऊपर भी नहीं आएगा। हालात देखो इनके, ये पेनल्टीज ऐड करने लगे हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू ये पेनल्टी ऐड करके निकालेंगे, नॉट एट ऑल। डीमरेज चार्जेस विल नॉट बी एडेड, ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी एडेड, तो पेनल्टी और डीमरेज विल नॉट बी एडेड। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस की बात करता हूं। ओए सुनो, मैंने ना सामान मंगवाया है 9 लाख रुपए का, मुझको 9 लाख मंगा देरी उसे। ओके, कंट्रोल, 9 लाख माल मंगवाया है, 9 लाख का सामान मंगवाया है, और कितना मंगवाया है? 10,000 किलो। कितना सामान मंगवाया है? 10,000 किलो। ओके, 10,000 किलो सामान मंगवाया, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, और 1,000 किलो रास्ते में। अब इमेजिन करो, किलो या लीटर ले लो इसको, रास्ते में सड़क पे एक मोड़ आया, मैं 1,000 लीटर छोड़। अच्छा, ओके, दिस इज तो एबनॉर्मल लॉस, दिस इज तो केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, बट मैं एबनॉर्मल लॉस नहीं कर रहा, मैं पहला केस कहता हूं, नॉट एबनॉर्मल लॉस, लेट मी टॉक अबाउट नॉर्मल लॉस फर्स्ट, लेट मी टॉक अबाउट नॉर्मल लॉस। हमने सामान मंगवाया 10,000 लीटर, और हमारा नॉर्मल है रस्ते में ना 1,000 लीटर उड़ जाता है, पता नहीं कैसा यार, वो तो 1,000 लीटर उड़ गया भाई साहब। यार राउंड फिगर का आंसर निकालना है, समझो ना, ओवरली कैलकुलेशन करनी है। तुम कौन से कैलकुलेटर लाए हो? मैं कौन से? अच्छा नहीं, मेरे पास कैलकुलेटर है। अच्छा, तुम भी लाए हो? अच्छा नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल यार, मैं क्वेश्चंस तो करा नहीं सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ तो ठीक है, निकालने की जरूरत भी नहीं है, मैं कोई वो करवाने नहीं वाला। तो सोचो, 9 लाख का सामान मंगाया, और लेट्स टेक एन एग्जांपल, एज पर आर एक्सपीरियंस हमने 10,000 किलो 10,000 लीटर मंगवाया, और 10,000 लीटर में से नॉर्मल लॉस है कि 1,000 लीटर जो है नॉर्मली उड़ जाता है रस्ते में, वहां से यहाँ आने आने में उड़ जाता है, तो हम क्या कहेंगे? दिस 9 लाख इज द कॉस्ट ऑफ 10,000 लीटर्स या 9,000 लीटर्स? 9,000 लीटर्स, वी विल से दिस इज द कॉस्ट ऑफ 9,000 लीटर्स, एंड वी विल इन्फ्लेट द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मटीरियल।
बट ऑन द अदर हैंड अगर एक मोड़ आया 1000 लीटर वहां छोड़, मतलब यहां से ये पीछे, मेरे को एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई थी जिसमें कि एक ट्रक था जो कि गिरा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारी पेप्सी की बोतलें थी, पंजाब का सीन था, पंजाबी में बातें कर रहे थे लोग, आपके पास भी आई हुई है? अच्छा, उसमें ओ ये लुट ले लुट ले, हाँ तो तू भी चक ले, और की किदे नाल पिएगा, मतलब किन्नी बोतल नाल फड़ के लेके जावांगा, एंड सो ऑन एंड ऑन वट एवर। नाउ द पॉइंट इज, यू सी एबनॉर्मल लॉस हो गया, लेट्स से वहां पे इमेजिन करो 1000 लीटर जो है डुल गया, गिर गया, तो इन दैट केस व्हाट वील से, 9 लाख इज द कॉस्ट ऑफ 10,000 लीटर, एंड 1000 लीटर जो है वो बर्बाद हो गया एबनॉर्मल लॉस, तो वील चार्ज 90,000 रुपीज टू कॉस्टिंग पी एल अकाउंट, एंड रिमेनिंग 9,000 लीटर की कॉस्ट हो जाएगी 9 लाख इज द कॉस्ट ऑफ 10,000 लीटर्स, टेल मी द कॉस्ट ऑफ 9,000 लीटर्स, ये मेरा 8,10,000 हो जाएगा, राइट आगे बढ़ते हैं, चलो टापते हैं नेक्स्ट। तो वंस अगेन देखो, पेनल्टी या डीमरेज विल नॉट बी एडेड टू द परचेज कॉस्ट, चार्ज टू कॉस्टिंग मिल अकाउंट, नॉर्मल लॉस को क्या करना है, मटेरियल इन ट्रांजिट जो हमारा हुआ उसको, उस लॉस को हम लोगों ने रिड्यूस कर देना है, एंड कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग इन्वेंटरी विल बी इन्फ्लेटेड, ये जो मैंने ये किया, और तीसरा नंबर एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट का क्या करना है, चार्ज टू कॉस्टिंग पी एल अकाउंट, ये जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया 90,000, दिस विल बी चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लीज मेक और बाय प्रपोजल, डू यू रिमेंबर, हम लोग जो है रॉ मटेरियल कोई खरीदना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, हमारे पास चॉइस है, या तो रॉ मटेरियल को खरीद ले या बना ले। सोचो इमेजिन करो, हम लोग शर्ट बनाते हैं, शर्ट बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए, कपड़ा मेरे लिए शर्ट के लिए रॉ मटेरियल है, लेकिन अब मैं कपड़ा सोच रहा हूं कपड़ा खुद बना लूं या कपड़ा खरीद लूं, मेक और बाय प्रपोजल, आई गॉट टू चॉइसेस, आइदर टू मेक द क्लॉथ और टू बाय द क्लॉथ, या टेक एन एग्जांपल, मेरे को क्लॉथ बनाना है उसके लिए मुझे धागा चाहिए, तो धागा मेरा रॉ मटेरियल है, अब धागा भी मैं मेक भी कर सकता हूं, धागा भी मैं बना भी सकता हूं, व्हाटएवर, तो आई नीड टू टेक अ डिसीजन ऑफ मेक और बाय प्रपोजल, सिंपल सी बात है, आई हैव गॉट टू ऑप्शंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस, एक्सेप्टेंस ऑफ वन इंप्लाइज द ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ द अदर, एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे, हम कौन सा चूज करेंगे जिसका कॉस्ट लीस्ट है। अब सवाल ये उठता है मेक और बाय प्रपोजल में, प्लीज ध्यान से सुनना, द डिसीजन मेकर हैज टू ऑप्शंस अवेलेबल, एक ऑप्शन मेक द कंपोनेंट इन हाउस अपने यहां पे बना ले, या फिर बाय द कंपोनेंट, राइट, जिसकी भी रेलिवेंट कॉस्ट लीस्ट है वो बेटर है। रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होगी, लेट्स टॉक अबाउट मेक ऑप्शन की रेलिवेंट कॉस्ट, मेक करेंगे तो हमारी क्या क्या कॉस्ट रेलिवेंट है, प्लीज अगर हम मेक करेंगे तो हमारे क्या क्या खर्चे रेलिवेंट है, व्हाट आर द रेलिवेंट कॉस्ट इफ आई मेक द प्रोडक्ट, मैं मेक करूंगा तो मेरा क्या क्या खर्चा होगा। अच्छा देखिए, अगर मैं धागा बनाऊंगा, लड़के इक्विपमेंट मेरा असेट होता है, मैं अगर धागा बनाऊंगा तो मैं कॉटन खरीदूंगा, तो बेसिक रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट, नंबर दो डायरेक्ट लेबर चाहिए होगी, नंबर तीन वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन को खरीदने का खर्चा नहीं होगा, परचेज कॉस्ट नहीं होगा, उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसकी कैरिंग कॉस्ट, यार मुझे कॉटन भी कैरी करनी पड़ेगी। देखो अगर तो मैं कॉटन खरीदता हूं, देखो आई गॉट टू ऑप्शन मेक और बाय, इफ आई बाय धागा कॉम्पोनेंट जो मेरे को चाहिए, वो मैं धागा अगर खरीद लेता हूं तो धागे की परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट लगेगी, कहानी खत्म। लेकिन अगर मैं धागा बनाता हूं, मेक करता हूं धागा, तो धागे की परचेज कॉस्ट, धागे की परचेज कॉस्ट नहीं, कॉटन की परचेज कॉस्ट, कॉटन की ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉटन की कैरिंग कॉस्ट, कॉटन को धागे में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कोई वेरिएबल ओवरहेड्स हैं और कोई इनकर्ड फिक्स ओवरहेड्स हैं, याद रखना इनकर्ड फिक्स ओवरहेड्स, जो कमिटेड फिक्स ओवरहेड्स हैं वो नहीं, कमिटेड कॉस्ट नहीं, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट नहीं, वो कॉस्ट जो कल भी थी आज भी है कल भी रहेंगी वो नहीं, डू यू रिमेंबर, मैंने आपको ये बात बताई हुई है। तो अकॉर्डिंगली प्लीज ध्यान देना, रेलिवेंट मेक कॉस्ट, हम लोग मेक कर रहे हैं, वाह क्या बात है, मेक करें, हाय हाय बना लो। सो परचेज कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल, जैसे मैंने आपको बोला कॉटन की परचेज कॉस्ट, कॉटन की ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉटन की कैरिंग कॉस्ट और कॉटन को कन्वर्ट करने की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कॉटन को कन्वर्ट करने का डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉटन का कन्वर्ट करने का वेरिएबल ओवरहेड्स, कॉटन को कन्वर्ट करने का धागे में
कोई फिक्स ओवरहेड्स, इनकर्ड फिक्स ओवरहेड्स, नॉट एलोकेटेड फिक्स ओवरहेड्स. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धागा बन के तैयार हो रहा है तो उस धागे की भी कैरिंग कॉस्ट होगी. तो हम क्या करें, कैरिंग कॉस्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑल्सो. वंस अगेन आई रिपीट इट अगेन, अगर हमने मेक किया, अगर हमने मेक किया तो हमारे मेक के क्या क्या खर्चे होंगे. नंबर एक, परचेज कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल. बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन. कॉटन की परचेज कॉस्ट, कॉटन की ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉटन की कैरिंग कॉस्ट. फिर कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करने का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. उसका कोई इनकर्ड फिक्स ओवरहेड्स है, लेकिन एलोकेटेड पोर्शन फिक्स ओवरहेड्स नहीं, कमिटेड फिक्स ओवरहेड्स नहीं, याद रखना. एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, देन कैरिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट भी ऐड कर दो तो आपके आ जाएगी रेलिवेंट मेक कॉस्ट. देन उसके बाद बारी आती है रेलिवेंट परचेज कॉस्ट. अगर आपने धागा खरीदा तो धागे की परचेज कॉस्ट में क्या क्या आएगा, धागे की परचेज कॉस्ट एक तो आएगी, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, एक कैरिंग कॉस्ट आएगी. परचेज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट. अब आगे लेट्स टॉक अबाउट, प्लीज इशारा है, डू यू रिमेंबर दिस इशारा. देखो जरा, कस्टमर क्या कर रहा है, इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस कर रहा है. फिर उसके बाद जो है, जब इन्वेंट्री मैनेजर के पास जब ऑर्डर आया, जैसे भी इनके पास आया, सोचो इमेजिन करो, हाँ भैया एक ठो चाय मिलेगी, एक ठो चाय, हाँ जी बिल्कुल. उसी टाइम पे जब एक ठो चाय का प्रपोजल आया, जब हमारे पास ऑर्डर आया, उसी टाइम पे हाँ भैया दूध देना, हाँ भैया बिस्लरी का पानी देना, हाँ भैया चीनी देना, हाँ भैया चाय पत्ती देना, मतलब हमने अपने पास सामान ही नहीं रखा हुआ, याद है, जिट परचेजेस, जस्ट इन टाइम परचेजेस. क्या बात है, सवास बाबा, जस्ट इन टाइम परचेजेस, जस्ट इन टाइम सिस्टम, डू यू रिमेंबर. जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आएगा तभी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे. द ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल, हम अपने पास ज्यादा सामान नहीं रखते, वी डू नॉट कीप मच इन्वेंट्री विद अस. द ऑर्डर इज प्लेस टू द सप्लायर, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे, कब करेंगे, जब हमें रॉ मटेरियल का ऑर्डर आ जाएगा. जस्ट इन टाइम इज द परचेज ऑफ गुड्स सच दैट द डिलीवरी इमीडिएटली प्रीसीड्स देयर यूज. यहां पे सोचो, इमेजिन करो, ये मेरे पास कस्टमर आया, आके बोला हाँ जी भैया चाय देना, चाय चाय चाय, हमने चाय बोला, ये हमारे पास कस्टमर से ऑर्डर आया. उसी टाइम पे हमारे पास सामान, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा पड़ा होगा. इन द मीन वाइल हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सारा रॉ मटेरियल जो है, ये कस्टमर यहां ऑर्डर कर रहे हैं, यहां हम रॉ मटेरियल का ऑर्डर कर रहे हैं. आपको पता है टाटा नैनो, टाटा नैनो का जो प्रोजेक्ट है वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री परचेज का सिस्टम पे ही बेस्ड था. आज की डेट में बहुत सारी ऑटोमोबाइल असेंबली कंपनीज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के सिस्टम पे चल रही हैं, वो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखते. दे डू नॉट कीप ह्यूज स्टॉक्स विद देमसेल्व्स, दे डू नॉट कीप ह्यूज स्टॉक्स विद देमसेल्व्स. जैसे जैसे ऑर्डर आते जाते हैं, मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं रखते, कम रखते हैं, कंपैरेटिवली वेरी लेस, बिकॉज ऑटोमोबाइल असेंबली कंपनीज, आई नो अ फ्यू पीपल एंड ऑटोमोबाइल असेंबली कंपनीज में वन ऑफ द गाइज इज वन ऑफ माई फ्रेंड. लेट्स नॉट गो इन टू दोज थिंग्स, लेट्स कम बैक, वापस आ रहे हैं. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम में क्या है, हम लोग डिलीवरी इमीडिएटली प्रीसीड्स देयर यूज. दिस विल एंश्योर दैट स्टॉक्स आर एज लो एज पॉसिबल, स्टॉक अपने पास कम रखेंगे. इससे क्या फायदा होगा, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम से क्या फायदा होगा. पहले तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम होता क्या है, मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ. याद है कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल, हमारे पास कस्टमर का ऑर्डर आया फिनिश गुड्स का, तो हमने ऑर्डर प्लेस किया अपने सप्लायर को, हाँ भाई ये सामान भेज दे, अभी ये सामान भेज दे, ये रॉ मटेरियल भेज दे. तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम में हम अपने पास इन्वेंट्री रखेंगे कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे. विल कीप लेस इन्वेंट्री विद अस, राइट, नॉट अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री विद अस. उसका फायदा क्या होगा, नंबर एक हमारा स्टोरेज स्पेस बचेगा, नंबर दो हमारा इंश्योरेंस का खर्चा बचेगा, नंबर तीन हमारा हैंडलिंग कॉस्ट बचेगा, ऑब्सोलेसेंस लॉस या स्पॉइलेज इन द स्टोर रूम बचेगा, हमारी इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट कम होगी तो उसकी वजह से कैरिंग कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी. ठीक है, याद है ये सारी चीजें. तो हम लोग क्या है, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम में परचेजिंग में अरेंजमेंट इज मेड विद द सप्लायर फॉर मेकिंग फ्रीक्वेंट डिलीवरीज, ऑलमोस्ट एवरीडे डिलीवरीज करते हैं. आप लोगों ने इवन कुछ एक आधे क्वेश्चंस में ऐसा भी आया हुआ था कि हाँ जी हम लोग का ऑर्डर साइज छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो हम लोग क्या जस्ट इन टाइम की तरफ जा रहे हैं. हाँ, अगर ऑलमोस्ट डेली या सेकंड डे, हर डे या हर एवरी सेकंड डे पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो जिट परचेजेस के पास पहुंच रहे हैं हम लोगों को. जिट से फायदा क्या होता है, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑन अकाउंट ऑफ जिट परचेजेस. वंस अगेन, बेनिफिट्स क्या क्या थे, नंबर एक स्टोरेज स्पेस बचेगी, नंबर दो कैरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी, नंबर तीन हैंडलिंग कॉस्ट बचेगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बचेगी, नंबर चार फिर उसके बाद ब्रेकेजेस स्पॉइलेज व्हाटएवर एज द केस में बी, रिजल्ट्स इन सेविंग इन फैक्ट्री स्पेस, इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस इज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग द मटेरियल हैंडलिंग ब्रेकेज कॉस्ट जस्ट इन टाइम, रिजल्ट्स इन सेविंग इन स्टॉक आउट कॉस्ट, रिडक्शन इन रीवर्क. यू रिमेंबर रीवर्क कॉस्ट, रीवर्क कॉस्ट को रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी कहते हैं. देखो पुराने रॉ मटेरियल में रेक्टिफिकेशन ज्यादा होती है, राइट. अच्छा प्लीज मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, एक चीज सुन लो,
मैं मटेरियल कॉस्ट के ना थ्योरी और प्रैक्टिकल जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरी कोशिश है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जल्दी से क्विकली ब्रशिंग करा दूं। लेकिन इसके ना एंड में कुछ चीजें थी स्पॉइलेज, वेस्टेड, डिफेक्टिव, वो ना मैं कॉशीट के टाइम पे कराता हूँ, जिन्होंने मतलब जिनको भी ध्यान है, मैंने यहाँ पे नहीं कराता, मैं वहां वो चीजें मैं फिर वहां पे लिखवाता हूँ कॉशीट। तो मैं अभी मटेरियल में एक्सेप्ट स्पॉइलेज, वेस्टेज, डिफेक्टिव्स, रेक्टिफिकेशन, रीवर्क कॉस्ट, वो सारी चीजें छोड़ के बाकी सारा मैं मटेरियल कॉस्ट जो है को पूरी तरीके से अभी पैक कर दूंगा। ठीक है, यू कैन ओपन अप थियरी प्रैक्टिकल, आप किताब खोलोगे आप देखोगे ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। ठीक है जी, नाउ लेट अस सी। और थ्योरी, इसकी मटेरियल की थ्योरी भी एक्सपेक्टेड है और प्रैक्टिकल भी एक्सपेक्टेड है। मटेरियल कॉस्ट इवन पहले चैप्टर को मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूँ, शुरुआत भी उसी से किया था, वो थोड़ी सी चीजें एक्सपेक्टेड है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नाउ जस्ट इन टाइम परचेजेस से हमारा क्या स्टॉकआउट कॉस्ट बच जाएगी। स्टॉकआउट कॉस्ट याद है, स्टॉकआउट कॉस्ट को हम लोग शॉर्टेज कॉस्ट भी कहते हैं या बैक ऑर्डर कॉस्ट भी कहते हैं, कि कस्टमर आया आके बोला हाँ जी भैया सामान है हमारे पास, आपके पास सामान है, हमने क्या कहा नहीं है, तो वो कस्टमर लूज हो गया। नहीं, अब लूज नहीं करेंगे। कैसे नहीं लूज करेंगे, क्योंकि हम जस्ट इन टाइम परचेजेस कर रहे हैं। इस जस्ट इन टाइम परचेजेस में क्या होता है, हमारे पास कस्टमर आया, हमारे पास कस्टमर आया और कस्टमर ने आके क्या बोला कि भैया सामान है आपके पास, हमने कहा हाँ जी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने सप्लायर से स्मॉलर डिलीवरीज के लिए अग्रीमेंट कर रखा है, हमने उसे कह रखा भैया सामान भेज दें, तो जल्दी जल्दी मेरे को सामान भेज दें। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करें, जस्ट इन टाइम परचेजेस रिजल्ट्स इन सेविंग्स इन स्टॉकआउट कॉस्ट, क्योंकि स्टॉकआउट होगा ही नहीं, क्योंकि मैं कभी अपने कस्टमर को ना करूंगा ही नहीं। यहां पे मेरे को कस्टमर से ऑर्डर आया, यहां मैंने साथ के साथ अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगवा लेना, देयर विल बी नेवर अ शॉर्टेज ऑफ स्टॉकआउट। आगे रिडक्शन इन रीवर्क कॉस्ट, एक्चुअली क्या पुराना रॉ मटेरियल होता है उसमें रीवर्क कॉस्ट या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ज्यादा होती है, नए वाले में कम होती है, कंपैरेटिवली ताजा माल में कम रीवर्क या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट होती है। देन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, एक्चुअली क्या है आपका ताजा रॉ मटेरियल होगा, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था एक याद है, मछली, मछली भाई 3 महीने, साल ज्यादा हो गया, 3 महीने पुरानी मरी मछली या महीने पुरानी मरी मछली का पकौड़ा खा रहे हो आप, या ताजा आपके सामने मारेंगे और उसी टाइम पे आपको, नहीं जो लोग वेजिटेरियन है दिल पे मत लेना, जल तोरी कहते हैं उसे, मैंने नहीं दिया नाम, मजाक छोड़ो, सिंसियर नोट पे, वो आपके सामने सामने जो है एज द केस में कस्टमर के सामने सामने, आप अगर थाईलैंड जाएं, आप अगर हांगकांग जाएं, आप कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर वो ऑक्टोपस मछलियां क्रैब्स आपके सामने ताजा ताजा आपके लिए, जापान चाइना आपके सामने निकाल के काटेंगे, टेंशन नहीं, खैर प्लीज लेट्स नॉट इमेजिन दैट, लेट्स उसका सेलिंग प्राइस भी अच्छा होगा ना यार। एक तो पुरानी सड़ी गलेली मछली, 3 महीने पुरानी बर्फों में पड़ी हुई मृत पार्थिव शरीर, 3 महीने पुराना मछली, और एक ताजी आपके सामने छटपटा रही और आप खा रहे हो, वाओ प्लीज डोंट ट्राई दिस। डिटरमिनेशन ऑफ ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल, डू यू रिमेंबर सेफ्टी स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल सेफ्टी स्टॉक। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग जल्दी से मेरे सवालों का जवाब देंगे प्लीज। कंजम्पशन, डिलीवरी पीरियड, टेस्ट हो जाएगा, अभी तक आपने जो रिविजन किया है उसके बेसिस पे टेस्ट हो जाएगा। कंजम्पशन मैक्सिमम, नॉर्मल, मिनिमम, लेट्स से मैक्सिमम कंजम्पशन ये पर डे है, पर डे, और ये डेज में है। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, कंजम्पशन या यूसेज पर डे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1000, नॉर्मल 600, मिनिमम 400, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड 20 डेज, नॉर्मल 12 डेज, मिनिमम डिलीवरी पीरियड 8 डेज। टेल मी रीऑर्डर लेवल, शाबाश, कम ऑन रीऑर्डर लेवल, यू कैन टेल मी, वेरी गुड, रीऑर्डर लेवल 20,000 मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। टेल मी मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल इज 20,000 मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगला बताओ, मिनिमम लेवल, वेरी गुड, वेरी गुड, हां जी क्या है, बोलो बोलो, कौन सा है, रिऑर्डर लेवल इज 12,800, कैसे निकाला, रिऑर्डर लेवल इज 20,000 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इन नॉर्मल पीरियड, राइट, माइनस मिनिमम नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड, दिस इनटू दिस, राइट, तो ये आपने मिनिमम लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल निकाला, कितना आ गया 12,800। ये पागलपन नहीं लग रहा आपको, देखो नॉर्मली एक बात बताओ, मैक्सिमम कंजम्पशन होगी या नॉर्मल कंजम्पशन होगी,
नॉर्मली मैक्सिमम पीरियड लगेगा डिलीवरी का या नॉर्मल लगेगा? यार एक तो ये तो पागलपन है। तो आप एक बात बताओ, आप 12,800 का सेफ्टी स्टॉक लेवल साल भर कैरी करोगे एक ऐसी सिचुएशन के लिए जो कि हाईली अनलाइकली टू हैपन है? मैक्सिमम कंजम्पशन मे बी 100 में से एक बार हुई हो, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड मे बी 100 में से एक या दो बार हुआ हो। अब उसके चक्कर में तुम इतना सारा कैरिंग कॉस्ट, इतने सारे सेफ्टी स्टॉक लेवल की कैरिंग कॉस्ट ज्यादा रखोगे, दैट इज रियली सिली। तो आप क्या करोगे, ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल डिटरमाइन करोगे। ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑप्टिमल कौन सा होता है? जहां दो कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट थी? एक स्टॉकआउट कॉस्ट, या उसका दूसरा नाम क्या होता है? स्टॉकआउट का दूसरा नाम शॉर्टेज, तीसरा नाम बैक ऑर्डर कॉस्ट। स्टॉकआउट कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट या बैक ऑर्डर कॉस्ट एंड प्लस कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक लेवल इज द लीस्ट। स्टॉकआउट कॉस्ट या शॉर्टेज कॉस्ट एंड बैक ऑर्डर कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक लेवल इज द लीस्ट, राइट? तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल, राइट? ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल कौन सा है? ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल वो है जहां हमारा एनुअल, प्लीज फिर से बोलूंगा, अगर देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया, ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अब एक बात बताओ, वैसे आपका नॉर्मली तो ये नॉर्मल कंजम्पशन होगा, नॉर्मल पीरियड होगा। देखो 600 यूजुअली नॉर्मली कंज्यूम होगा, 12 दिन लगेंगे, 7200 नॉर्मली आपके पास होना ही चाहिए, इससे कम तो रीऑर्डर लेवल रखेंगे नहीं। बट आपको याद है, डू यू रिमेंबर सेफ्टी, मैंने आपको रीऑर्डर लेवल दो तरीके से बताया था। एक तो मैंने बताया था रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, दूसरा मैंने बताया था सेफ्टी स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड। बेसिकली क्या है, आप सेफ्टी स्टॉक लेवल, अब ये नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल पीरियड है 7200, नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल पीरियड है 7200, और सेफ्टी स्टॉक लेवल कितना है? लेट्स टेक एन एग्जांपल यार, 1000 रख लो, 2000 रख लो, 3000, 4000, 5000, 6000, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू कीप 12800, बिकॉज 12800 की ऐसी सिचुएशन, देखो मैक्सिमम कंजम्पशन के साथ मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड लग रहा हो, इज हाईली अनलाइकली टू अकर, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हाई क्वांटिटी ऑफ अगर सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो आपके शॉर्टेज जो है ना के बराबर होगी या नहीं होगी। अगर हाई सेफ्टी स्टॉक रखा तो शॉर्टेज कम होगी, अगर कम सेफ्टी स्टॉक रखा तो ज्यादा शॉर्टेज होगी। लेकिन हाई सेफ्टी स्टॉक, प्लीज, दो कॉस्ट की आपस में फाइट है, कौन कौन सी कॉस्ट है? एक शॉर्टेज कॉस्ट, दूसरी कैरिंग कॉस्ट। समझना जरा बात को, हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं अगर हमने ज्यादा सेफ्टी स्टॉक लेवल रखा, इफ वी कीप मोर सेफ्टी स्टॉक लेवल, देन इन दैट केस देयर विल बी मोर शॉर्टेज कॉस्ट। इफ वी कीप मोर सेफ्टी स्टॉक लेवल, देन देयर विल बी मोर शॉर्टेज कॉस्ट एंड देयर विल बी लेस कैरिंग कॉस्ट। अगर आपने हाई सेफ्टी स्टॉक लेवल रखा, ये देखो मैं कहूं चिड़िया उड़, हाँ जी उड़, हाथी उड़, हाथी उड़, गेंडा उड़, बस दिमाग चलाना बंद। सर जी आप फास्ट बता रहे हो तो हम तो दिमाग तो लगा ही नहीं रहे, जो आप बोल रहे हो आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे। हाथी उड़, हाँ बेट सर जी सच्ची बात है। दुष्टों, अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल ज्यादा होगा तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, आपने ज्यादा सामान, जागो मोहन और मोहनियों। हाई सेफ्टी स्टॉक लेवल, अगर आपने खूब सारा सेफ्टी स्टॉक लेवल रखा, बहुत ज्यादा सामान आपने अपने पास बफर स्टॉक लेवल रखा, तो उस केस में आपकी हाई कैरिंग कॉस्ट होगी लेकिन शॉर्टेज कॉस्ट कम होगी। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड आपने कम सेफ्टी स्टॉक लेवल रखा, लेट्स से आप सेफ्टी स्टॉक लेवल जीरो रख दो, आप कहते हैं नहीं जी मैं सिर्फ नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल पीरियड रख रहा हूं, आई एम नॉट कीपिंग एनी सेफ्टी स्टॉक, तो उस केस में क्या आपकी शॉर्टेज कॉस्ट लेस होगी लेकिन कैरिंग कॉस्ट, अरे जान ले लो फिर से अपनी, ये देखो हाथी उड़, हाँ सर हम तो दिमाग लगाएंगे नहीं। मैं इसको प्यार से बोल देता हूं, अगर आपने हाई सेफ्टी स्टॉक लेवल रखा तो उससे हाई कैरिंग कॉस्ट होगी क्योंकि ज्यादा सामान रख रहे हो, लेकिन कम शॉर्टेज कॉस्ट होगी। और अगर आपने लो सेफ्टी स्टॉक लेवल रखा तो आपकी लो कैरिंग कॉस्ट होगी क्योंकि आप कम सामान रख रहे हो, लेकिन हाई शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट होगी। आपका ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल कौन सा है? जहां इन दोनों का सम लीस्ट आए वो आपका ऑप्टिमल है सेफ्टी स्टॉक लेवल, राइट? टॉप रहे से आगे चलो भाई। तो ये है हमारा ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल। ओके, अब आगे शॉर्टेज कॉस्ट, स्टॉकआउट कॉस्ट के दो एस्पेक्ट्स थे। ऑर्डरिंग कॉस्ट में जैसे क्या क्या आता है वो आपने देखा, कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है आपने देखा, याद है? ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, वहां से यहां लाने का खर्चा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, फिर
कॉस्ट ऑफ बिल पेमेंट, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें आपने, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ दिस ब्रिंगिंग मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल, है ना जी। अब एक बात बताओ, कैरिंग कॉस्ट में भी आपने चीजें बताई। शॉर्टेज कॉस्ट में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, याद है? शॉर्टेज कॉस्ट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर एक, कस्टमर आया, आके बोला सामान है, हमने कहा नहीं है, तो वो कस्टमर लूज हो गया, तो उसका हमारा प्रॉफिट लूज हो गया, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ कस्टमर ड्यू टू शॉर्टेज, नंबर वन। नंबर टू, कस्टमर आया, आके बोला सामान है, हमने कहा मंगवा देते हैं, और हमने इमरजेंसी में सामान मंगवाया, इमरजेंसी डिलीवरी करवाई, उसके एक्स्ट्रा खर्चे किए, तो जो भी हमने इमरजेंसी डिलीवरी करवाई उसके जो एक्स्ट्रा खर्चे किए, ये दोनों शॉर्टेज में आएंगे, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोक्योर डिलीवरी एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट्स ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज, ये दूसरा है। अच्छा, डू यू रिमेंबर दिस थिंग? नाउ जल्दी से मटेरियल्स के, प्लीज, मटेरियल्स में थियोरी, इनसे रिलेटेड काफी एस्पेक्ट्स आते हैं। नाउ ये पीछे क्या है? ये बिन है या रैक है जहां सामान रखा जा रहा है। ये कौन है बंदा? स्टोर कीपर है। अब स्टोर कीपर के पास एक ऑथराइज पर्सनल आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो ऑथराइज पर्सनल आके इसको कौन सा डॉक्यूमेंट देगा, याद दिलाओ, कौन सा नोट देगा? मटेरियल रिक्विजिशन नोट, या इसका दूसरा नाम भी था स्टोर रिक्विजिशन नोट, स्टोर रिक्विजिशन नोट या मटेरियल रिक्विजिशन नोट इसको लाके देगा। उस मटेरियल रिक्विजिशन नोट या स्टोर रिक्विजिशन में क्या होता है? ऑर्डर्स नहीं होते अंग्रेज, उसमें यह लिखा होता है कि मेरे को क्या क्या सामान चाहिए, उसमें यह लिखा होता है कि मेरे को ये सामान चाहिए, उसमें इट इज अ लिस्ट कि मेरे को ये सामान निकाल के दे दो, तो उस मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बेसिस पे सामान निकाल के दे देगा। और फिर उसके बाद इस बंदे को सामान निकालने के साथ साथ वो क्या करेगा, एक बिन कार्ड या स्टॉक कार्ड या स्टोर्स कार्ड में एंट्री करेगा। बिन कार्ड के क्या क्या कॉलम्स होते हैं, याद है? बिन कार्ड के क्या क्या कॉलम्स होते हैं? नंबर एक, डेट। नंबर दो, रिसिप्ट, सिर्फ यूनिट्स, क्वांटिटेटिव डेटा होता है। नंबर तीन, इश्यूज, सिर्फ यूनिट्स। और नंबर चार, बैलेंस, सिर्फ यूनिट्स। उसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन का भी होता है। और क्या क्या होता है? मैक्सिमम लेवल भी मेंशन होता है, रीऑर्डर लेवल भी मेंशन होता है, मिनिमम लेवल भी मेंशन होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी भी मेंशन होती है। ऐसा है, बिन कार्ड में वो एंट्री करता है, सोचो, इमेजिन करो, रीऑर्डर क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, उसने क्या किया, यार आज तारीख, पहले तो डेट लिखेगा, आज ना, आज 15 तारीख है, आज 15 तारीख को मैंने इसको 20 यूनिट्स इशू कर दी, अरे इसका तो रीऑर्डर लेवल आ गया है। तो वो क्या करेगा उस केस में, रीऑर्डर लेवल आ गया तो वो किसको करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को एक रिक्विजिशन भेजेगा। कौन सा रिक्विजिशन? परचेज रिक्विजिशन भेजेगा। अब ध्यान से सुनना, और उसमें इसीलिए बिन कार्ड में ही लिखा हुआ होता है रीऑर्डर लेवल। अगर रीऑर्डर लेवल ना लिखा हो तो उसे कहां से पता चलेगा कि भैया इसका रीऑर्डर लेवल आ गया है? जिस भी जो रूटीन सामान है, जो रूटीन सामान है, डू यू अंडरस्टैंड रूटीन सामान, जो रेगुलर यूज का सामान है, उसका परचेज रिक्विजिशन कौन देता है? स्टोर कीपर। तो वंस अगेन, व्हाट आर द परचेज ऑपरेशन? सबसे पहली चीज, कोई भी बंदा आया जो ऑथराइज पर्सनल था, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट का, उसने आके क्या लाके दिया? एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट या स्टोर रिक्विजिशन नोट। उसने किसको दिया? ये स्टोर कीपर। तो परचेज डिपार्टमेंट, सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट का बंदा आया, मटेरियल रिक्विजिशन नोट या स्टोर रिक्विजिशन नोट लाके इसने पकड़ाया, और पकड़ा के बोला भैया ये सामान निकाल दे, उसने उसका सामान निकाल के दे दिया। निकालने के बाद मटेरियल रिक्विजिशन से जो जो सामान निकाल के दिया था, उसने क्या किया, उसकी एंट्री करी बिन कार्ड में, बिन कार्ड, स्टॉक कार्ड, स्टोर कार्ड में उसने एंट्री की। बिन कार्ड इज द क्वांटिटेटिव डेटा ऑफ द इन्वेंट्री, इसका ये प्रिपेयर कौन करता है? स्टोर कीपर। तो इससे एंट्री करी, इस डेट पे मैंने इतनी यूनिट्स इशू की, इतनी बैलेंस बच गई, अरे ये तो रीऑर्डर लेवल आ गया है, अरे ये तो यार मैंने ये इसको इतनी यूनिट्स इशू करी, अरे यार ये तो रीऑर्डर लेवल आ गया, रीऑर्डर लेवल आ गया तो ये इसको क्या करेगा, ये परचेज डिपार्टमेंट को एक रिक्विजिशन देगा, एक डॉक्यूमेंट देगा, परचेज रिक्विजिशन, कि भैया परचेज डिपार्टमेंट ये ले परचेज रिक्विजिशन पकड़, मेरे को ये सामान मंगवा दे। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा फिर, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP मंगवाएगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अलग अलग सप्लायर से। तो अलग अलग सप्लायर वन और सप्लायर टू दोनों जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लेके आए, टेंडर लेके आए। तो जिसका टेंडर एक्सेप्ट हुआ, सप्लायर टू को एक्सेप्ट हुआ, तो उसका परचेज ऑर्डर बनाएंगे, उसका हवाई जहाज बनाएंगे और उड़ा देंगे, हाँ भाई चल भाई ये वाला सामान भेज। व्हाट इज अ परचेज ऑर्डर? अ परचेज ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द परचेज डिपार्टमेंट। प्लीज लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। बिन कार्ड कौन प्रिपेयर करता है? स्टोर कीपर। स्टोर्स रिक्विजिशन कौन प्रिपेयर करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट का, जिसको भी मटेरियल चाहिए का ऑथराइज पर्सनल, यूजुअली फोरमैन। नेक्स्ट, परचेज रिक्विजिशन कौन प्रिपेयर करता है? परचेज डिपार्टमेंट नहीं, स्टोर कीपर विल प्रिपेयर परचेज रिक्विजिशन फॉर द रूटीन गुड्स। अच्छा, अब एक बात सुनो, किसी कस्टमर से हमारे पास ऑर्डर आया
और हमारे पास ऑर्डर है और हमें पता है कि यार ये सामान रूटीन सामान है जो कि स्टोर कीपर के पास पड़ा होगा, और ये सामान है स्पेशल मटेरियल है, ये तो कभी स्टोर कीपर के पास आता ही नहीं, हमारे पास हमें पता है ना स्टोर रूम में क्या सामान पड़ा होता है, ये सामान तो उनके पास है ही नहीं। तो ऐसे में क्या वो स्टोर कीपर को बोलेगा भैया ये सामान भेज दे? नहीं, वो सीधा परचेज डिपार्टमेंट के पास एक रिक्वेजिशन भेजेगा। तो परचेज रिक्वेजिशन कौन कौन इश्यू कर सकता है? नंबर एक स्टोर कीपर फॉर द रूटीन आइटम्स। ये सारी थ्योरी मैंने एज इट इज लिख के दी हुई है, आपकी किताब में लिखी हुई है, थ्योरी बुक में भी लिखी हुई है, मेन बुक में भी लिखी हुई है। परचेज रिक्वेजिशन इज इश्यूड बाय आइदर द स्टोर कीपर टू द परचेज डिपार्टमेंट और द प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मटेरियल। फिर से सुनना, रेगुलर मटेरियल का परचेज रिक्वेजिशन कौन देगा? स्टोर कीपर। और स्पेशल मटेरियल का कौन देगा? प्रोडक्शन या सर्विस डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग द मटेरियल। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करेगा जो परचेज डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा? ना ना, सीधा परचेज ऑर्डर नहीं होता, वो आरएफपी करेगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। वो एक भेजेगा कि प्लीज सप्लायर्स, वेरियस सप्लायर्स प्लीज कोटेशंस भेजो, तो वो टेंडर्स भेजेंगे या कोटेशन भेजेंगे। फिर उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा किसको? जो सप्लायर हमें हमारी डिजायर्ड क्वांटिटी क्वालिटी लीस्ट टाइम में लीस्ट कॉस्ट पे देने को तैयार है। फिर ये जो सप्लायर है सामान पैक कर देगा, लोड करवाएगा, कैरियर को इनवॉइस देगा, बिल देगा। बिना बिल के सामान नहीं निकलना चाहिए, बिल में जीएसटी पेड होना चाहिए, पता है ना कि नहीं? बिल होना चाहिए, बिल के बिना नहीं चलेगा। रास्ते में कहीं पे भी रोक लेंगे, पुराने जमाने में एक्साइज ड्यूटी, जैसे अभी पहले जो आपका हिसाब किताब है उसके हिसाब से एक्साइज वाले बंदे पकड़ लेते थे, सेल्स टैक्स वाले बंदे पकड़ लेते थे रास्ते में, है जी। अब ये सामान पहुंचेगा फैक्ट्री के गेट पे, फैक्ट्री के गेट में एंट्री अगर इस सामान को दी जाएगी तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, और वो क्या करेगा? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का बंदा क्या करेगा? वो चेक करेगा किस चीज को? सामान को फिजिकली इंस्पेक्ट करेगा। साथ में क्या करेगा? इससे इनवॉइस मांगेगा, ला मेरे को बिल दे, और इस बिल को कंपेयर करेगा, इसको बिल को कंपेयर करेगा परचेज ऑर्डर से कि हाँ भाई क्या ये वही सामान है जो मैंने मंगवाया था, जो हमारे परचेज डिपार्टमेंट ने मंगवाया था, इनवॉइस एंड परचेज ऑर्डर उसको कंपेयर करेगा एंड सो ऑन एंड ऑन। बस ये जो बातें मैंने बताई, ऑब्वियसली रिविजन है तो फास्ट तो होनी चाहिए, बट मुझे पता है आप में से कई लोगों को अभी भी थोड़ा ग्रिप नहीं बनी, इसीलिए एक बार क्विकली, क्योंकि इसमें ना ये बहुत सारी थ्योरी कवर हो जाती है, ये सारी चीज़ कुछ भी आ सकता है, बिन कार्ड पूछ लेगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट पूछ लेगा, परचेज ऑर्डर पूछ लेगा, कुछ भी इनमें से कोई भी चीज़, और कहीं पूछे भाई बिल्स ऑफ मटेरियल, डू यू रिमेंबर बिल ऑफ मटेरियल? मुझे पता था यही हालात होंगे आपके, जितना मर्जी करा लो भूल जाओ सारे के सारे दुष्टों। नाउ सबसे पहली चीज़, एक कस्टमर है, कस्टमर ने क्या किया, एक ऑर्डर दिया फिनिश गुड्स का, हेलो मेरे को ये सामान दे दो। जैसे मैंने आप लोगों को याद हो, जिन्हें भी याद हो, मैंने एक आपको अपने घर के अलमेरा या अदरवाइज कोई डाइनिंग टेबल या कुछ कोई ना कोई, जैसे हमने कुछ घर में कई चीजें बनवाई हैं स्पेशली अपने हिसाब से कस्टमाइज बनवाई हैं, इवन ये जैसे ही है, दिस इज ऑल्सो कस्टमाइज, दिस इज वॉट, दिस इज अ कस्टमाइज पोडियम, ये पोडियम जो है ये कस्टमाइज है हमारे हिसाब से है, ये एक स्टेज यहाँ पे हमारे हिसाब से है। What are we talking about? These are customized. These are jobs. अब सुनना मेरी बात। इसका डिजाइन हम बताएंगे। अच्छा जी मुझे यहाँ पे ये इक्विपमेंट एक रखना है, दूसरा रखना है, तीसरा रखना है, चौथा रखना है, तो we will tell. ठीक है जी? We will tell to the department. आप कभी अपने लिए कपड़े लेके कपड़े बनवाने जाते हो, ठीक है जी, सूट बनवाने जा रहे हो, सूट तेनू सूट करदा है, तो सूट अगर आप बनवाने जा रहे हो आप डिजाइन बताओगे कि नहीं बताओगे? अगर आप कोट पैंट बनवा रहे हो या कुड़िया अपने लिए सूट तेनू सूट करदा वाला सूट बनवा रही है ऐसे, हाँ जी कोई भी बना दे कोई बात नहीं भैया, कोई भी बना दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भैया ऐसा वाला बनाना, वैसा वाला मत बनाना, ऐसा वाला बनाना नहीं, लेकिन इसमें ना ये वाली चीज की ऑल्टरेशन कर देना। ओके कंट्रोल, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? तो बात क्या है, उसमें क्या होगा, बंदा जो ड्रॉइंग करेगा, ड्रॉइंग ऑफिस डिपार्टमेंट, डू यू रिमेंबर ड्रॉइंग ऑफिस डिपार्टमेंट का दूसरा नाम प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले जब भी कस्टमर से ऑर्डर आता है जॉब्स का, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर का, तो क्या किया जाता है, एक डिजाइनिंग की जाती है, एक प्लान बनाया जाता है, एक प्रोडक्शन प्लान, एक डिजाइनिंग, ड्राइंग, ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं, है जी, जैसे ये ब्लूप्रिंट बना दिया, ये ब्लूप्रिंट बना दिया हमने टेबल का, हाँ जी ऐसी टेबल बनाएंगे, आर यू ओके, आपको चार पाँव वाली टेबल चाहिए, ठीक है ऐसी वाली बना रहे हैं, थैंक यू, इतनी यूं चौड़ी, इतनी ये वो, हाँ जी ठीक है ओके, आपकी तरफ से अप्रूव्ड है, ओके डन। नाउ अब ड्राइंग ऑफिस डिपार्टमेंट ने क्या किया, प्लान बनाया, डिजाइन बनाया, जैसे मैंने आपको शायद कभी अलमिरा या अदरवाइज कई बहुत सारी चीजें हम कस्टमाइज अपने हिसाब से बनवाते हैं, ये वाली चीजें मैंने, अगर आप जैसे वेलकम पे उस टाइम पे वहां पे हो गए तो मैंने आपको कस्टमाइज कई सारी चीजें, वो वहां के जो स्टेज है, जो वहां की टेबल है, वो सारी कस्टमाइज बनवाई हुई है, वो जो वहां का रैम बनवाया मैंने, वो सारे कस्टमाइज है।
These are what specific order from customer. तो हमने क्या किया, हमने जॉब वर्क दिया उनको सामने वाले को, तो उसने सामने वाले ने हमें कुछ ऐसे बोला, ऐसी चीज बना दू, इतनी हाइट बना दू, उसने ऐसे लिख के डिजाइन बना के, ऐसे रफ डिजाइन बना के दिया। वैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे तो बड़े बड़े डिजाइन बनते हैं, तो ड्रॉइंग ऑफिस डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिजाइन बनाएगा, और डिजाइन बनाने के साथ साथ वो एक बिल ऑफ मटेरियल बनाएगा। बिल ऑफ मटेरियल का दूसरा नाम क्या है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट। बिल ऑफ मटेरियल का दूसरा नाम क्या है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट। व्हाट इज अ मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट, इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कि क्या क्या सामान चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पोडियम बनाना है, तो इस पोडियम बनाने के लिए लक्कड़ चाहिए, कीले चाहिए, ग्लू चाहिए, ये साथ में सनमाइका चाहिए, समझो बात को। और एज द केस में भी यहाँ ड्रॉर्स हैं, उसके लिए एज द केस में भी कुछ चैनल, कुछ हैंडल एटसेट्रा चाहिए, लॉक चाहिए, नीचे लॉक है, ठीक है जी। ऑल दीज एस्पेक्ट्स यू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली क्या है, वो सामने वाला बंदा जो है बिल ऑफ मटेरियल बनाएगा। व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल, इट इज अ मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट। इस सामान, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, उसकी स्पेसिफिकेशन लिस्ट बनाएगा। तो बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय होम, ड्रॉइंग ऑफिस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट, राइट। और ये किसको दे दिया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लू प्रिंट्स के साथ। ओए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये ले पकड़, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये ले पकड़, ये ले ले। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या दे दिया जाता है, जो ड्राइंग ऑफिस डिपार्टमेंट है वो बिल ऑफ मटेरियल बनाता है। ड्राइंग ऑफिस डिपार्टमेंट क्या बनाता है, बिल ऑफ मटेरियल्स प्रिपेयर करता है और साथ में ब्लूप्रिंट्स बनाता है। किस चीज के, जो भी चीज प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनाना है उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, और फिर किसको पकड़ा देता है, प्रोडक्शन या वर्कशॉप डिपार्टमेंट को। अच्छा, बिल ऑफ मटेरियल इसको एक कॉपी पकड़ाई जाती है, नंबर वन, एक कॉपी वो अपने पास रखता है, नंबर टू, एक तीसरी कॉपी वो चाहे तो वो स्टोर कीपर को भी इशू कर सकता है कि भैया ये सामान इसको चाहिए होगा, ये मंगवाएगा, ये वाला सामान मंगवाना है। ब्लूप्रिंट सिर्फ इसको भेजा जाएगा, ब्लूप्रिंट इसको भेजा जाएगा। वंस अगेन, बिल ऑफ मटेरियल की कितनी कॉपीज बनती है, चार। चार कॉपीज कैसे, किसके पास क्या होगी, पहले सुनना। नंबर एक, बिल ऑफ मटेरियल जो डिपार्टमेंट बना रहा है, ड्रॉइंग ऑफिस डिपार्टमेंट, वो अपने पास रखेगा, भैया मैंने बनाया है, मेरे पास तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लूप्रिंट या डिजाइन के साथ साथ एक ब्लूप्रिंट या डिजाइन की कॉपी अपने पास भी रखेगा, एक कॉपी उसके पास भेज देगा कि ले भाई ये चीज बनानी है। वंस अगेन, ब्लूप्रिंट की एक कॉपी खुद बना के अपने पास रखेगा, एक कॉपी वहां भेज देगा। दूसरा नंबर, बिल ऑफ मटेरियल एक खुद बनाएगा, अपने पास रखेगा। दूसरा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वर्कशॉप डिपार्टमेंट के पास भेजेगा, ठीक है जी। तीसरा नंबर, स्टोर कीपर के पास भेजेगा, स्टोर कीपर सुन ये सामान इसको भेजना है तूने। नंबर चार, यार सारे हर डॉक्यूमेंट की कॉपी ना कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को तो जाती जाती है, बिना कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को कॉपी गए बात ही नहीं होती, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना उसने। तो अल्टीमेटली बिल ऑफ मटेरियल की एक कॉपी किसके पास भेजी जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। चार कॉपीज बनती है बिल ऑफ मटेरियल की, चार कॉपीज किस किसके पास रहेगी, नंबर एक ड्रॉइंग ऑफिस डिपार्टमेंट जो बना रहे, नंबर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन करेगा, नंबर तीन स्टोर कीपर को, नंबर चार बिल्कुल सही कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद बारी आती है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ध्यान से सुनना, ड्राइंग ऑफिस डिपार्टमेंट ने डिजाइन बना दिया, प्रोडक्शन तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने करनी है, वो अब क्या करेगा, सुनना मेरी बात, वो अब स्टोर कीपर को एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट, जैसे अभी वो बंदा नहीं गया था, सूटेड वूटेड बंदा स्टोर कीपर के पास एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट लेके गया था। मटेरियल रिक्विजिशन नोट का दूसरा नाम क्या था, स्टोर रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन नोट या स्टोर रिक्विजिशन लेके जाएगा किसके पास, स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास, और स्टोर्स डिपार्टमेंट को वो मटेरियल रिक्विजिशन पकड़ा देगा, और फिर मटेरियल रिक्विजिशन के अगेंस्ट फिजिकल मटेरियल ले जाएगा। अच्छा, स्टोर्स मटेरियल रिक्विजिशन नोट या स्टोर्स रिक्विजिशन नोट की एक कॉपी ये देगा स्टोर कीपर को, दूसरी कॉपी कहां जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, एक कॉपी अपने पास रखेगा। तो इसकी तीन कॉपीज बनती है, एक कॉपी अपने पास रखेगा स्टोर्स रिक्विजिशन मटेरियल रिक्विजिशन ये मैंने मंगवाया है, दूसरी कॉपी किसके पास जाएगी, स्टोर कीपर की, भैया तू सामान इशू कर, उसके पास वो कॉपी उसी के पास जाएगी। तीसरी अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगी, राइट। नेक्स्ट, अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही स्टोर कीपर को पता चला, अरे यार मेरा तो रीऑर्डर लेवल आ गया, अरे यार मेरा ये रेगुलर मटेरियल, वो बिन कार्ड में एंट्री करेगा, बिन कार्ड में एंट्री करेगा। बिन कार्ड की कोई कॉपी किसी को दी नहीं जाती, अपने पास रखता है वो। बिन कार्ड इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड इट इज केप्ट विद द स्टोर्स डिपार्टमेंट। हाँ, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम उसको रेफर कर सकता है अपनी अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए। स्टोर्स लेजर जो बनाया जाता है, स्टोर्स लेजर कौन बनाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, वो बिन कार्ड भी रेफर करेगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट भी रेफर करेगा, परचेज ऑर्डर भी रेफर करेगा, बहुत सारी चीज रेफर करेगा और उसके बाद बनाएगा। मेरी स्पीड नॉर्मल नहीं होगी, ऑब्वियसली रिविजन है, दिल पे मत लेना, ठीक है। आर यू फाइन विद इट, क्या मैं स्लो करूं, क्योंकि फिर कवरेज कम हो पाएगी, मतलब मैं जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पे बना के तो इतना सारा आया हूँ, लेकिन मैं प्लीज अभी आज ले रहा हूं, जितना ले सकता हूं मैं आज देने की कोशिश करता हूं टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जब आप कहोगे थक गए, मैं छोड़ दूंगा। व्हेनेवर यू से वी आर टायर्ड आई लीव यू, एज सिंपल एज दैट,
ठीक है जी, बट मैं जो चीज करा रहा हूँ, जो चैप्टर करा रहा हूँ, मैं पूरा डेप्थ तक उसको रिवाइज करा दूंगा, लेकिन फास्ट, राइट? आगे बढ़ रहे हैं। तो अब क्या हुआ, स्टोर कीपर को क्या पता चला, अरे यार वो हेलो मेरा तो रिऑर्डरेबल आ गया है। तो फिर वो क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट? परचेज रिक्विजिशन, रेगुलर मटेरियल के लिए परचेज रिक्विजिशन इश्यू करेगा स्टोर कीपर। किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। और साथ में अगर कोई स्पेशल मटेरियल मंगवाना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, भैया एक स्पेशल मटेरियल मंगवाना है तो वो भी परचेज रिक्विजिशन इशू करेगा। तो वंस अगेन, परचेज रिक्विजिशन इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड आइदर बाय द स्टोर कीपर और जब आप थ्योरी पढ़ोगे उसमें, और बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट वर्कशॉप डिपार्टमेंट। फॉर द रेगुलर मटेरियल इट इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर कीपर, फॉर स्पेशल मटेरियल इज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या वर्कशॉप डिपार्टमेंट एंड इट इज इशूड टू द परचेज डिपार्टमेंट। इट इज एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट कि मेरे को ये सामान खरीद के दे दो। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद जब परचेज एक्विजिशन की पक्की बात है, एक कॉपी तो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए देनी है, एक परचेज एक्विजिशन की कॉपी अपने पास रखेंगे, एक परचेज डिपार्टमेंट को भेजेंगे, एक कॉस्ट ऑफिस को भेज देंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, ये ले भाई पकड़ अकाउंटिंग कर ले। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके पास परचेज एक्विजिशन आ चुका है परचेज डिपार्टमेंट के पास। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो टेंडर्स या कोटेशंस मंगवाएगा, वो टेंडर्स, वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी करेगा। वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, शॉर्ट में हम इसको आरएफपी कहते हैं, आरएफपी मंगवाएगा। उसके बाद जो अलग अलग सप्लायर्स ऑफ मटेरियल, वो सप्लायर ऑफ मटेरियल क्या करेंगे, वो टेंडर्स फाइल करेंगे, कोटेशन देंगे, और उसके बाद जिसकी भी कोटेशन एक्सेप्ट होगी, चॉइस ऑफ सप्लायर जिसका भी चॉइस होगा, उसको परचेज ऑर्डर इश्यू कर दिया जाएगा। परचेज ऑर्डर की एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा, एक सप्लायर को भेजेगा, और तीसरी कॉपी कहां जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। और साथ में जिसने भी मंगवाया था, अगर तो स्टोर्स डिपार्टमेंट ने मंगवाया था तो स्टोर कीपर, और अगर कोई स्पेशल मटेरियल जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या वर्कशॉप डिपार्टमेंट या जिस भी सर्विस डिपार्टमेंट ने मंगवाया था, एक कॉपी उसको कि भैया हेलो तूने परचेज एक्विजिशन भेजी थी ना, तूने सामान मंगवाया था ना, ये ले मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि मैंने जो रिक्विजिशन भेजी थी उस पर एक्शन क्या हुआ। सुनना वंस अगेन, तो परचेज ऑर्डर की कॉपीज, नंबर एक परचेज ऑर्डर, परचेज डिपार्टमेंट अपने पास एक कॉपी रखेगा। नंबर दो, जिस डिपार्टमेंट ने उसको परचेज रिक्विजिशन इशू की थी, अगर तो स्टोर कीपर ने की थी तो स्टोर कीपर को, ठीक है जी, अगर तो स्टोर कीपर ने की थी तो स्टोर कीपर को, अगर उसने करी थी क्या नाम है किसी प्रोडक्शन या सर्विस डिपार्टमेंट ने, तो उसको दूसरी कॉपी। तीसरा नंबर वो देगा सप्लायर को कि भैया ये सामान भेज। चौथा नंबर वो देगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, राइट? ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है सप्लायर जो है सामान पैक करेगा, और पैक करके जो है एज द केस में भी गुड्स इशू कर देगा विद चालान, इनवॉइस भी देगा। और वो इनवॉइस जो है, ध्यान से सुनना, जब भी जिस डिपार्टमेंट ने, ध्यान से सुनना, चालान क्या होता है, चालान में एक एक यूनिट मेंशन होती है, इतनी एक्चुअली जो कैरियर होता है ना, जो सामान लेके आता है, जैसे आपके घर पे भी कभी सिलेंडर या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज आती होगी तो वो आपसे साइन कराते होंगे, आपने रिसीव कर लिया है तो आपसे वो चालान साइन करवाते होंगे। तो चालान, जैसे हम लोग, मैं बुक्स प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास 5,000, 6,000, 3,000 जितनी भी कॉपीज जब मेरे पास आती हैं तो हमसे साइन करवाता है कि अच्छा जी मैंने 3,000 अभी डिलीवर कर दी है, ये वाली कॉपी, ये टाइटल है, इतनी कॉपी मैंने डिलीवर कर दी है, डेट ये है, और हमारा बंदा जो है एज द केस में भी उनको काउंटिंग करके, फिजिकल काउंट करके, इंस्पेक्ट करके कि हाँ जी चीज़ वही है, सही है, उसके बाद जो है उसको वो साइन करके दे देता है, ओके जी हमने ये सामान ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट, तो चालान के साथ साथ जो है इसको गुड्स दे देगा, और फिर जब स्टोर कीपर, स्टोर्स डिपार्टमेंट या जिस भी प्रोडक्शन या सर्विस डिपार्टमेंट ने सामान मंगवाया था, जब उसको सामान मिल गया तो एक गुड्स रिसीव नोट, GRN नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, और फिर वो प्रोडक्शन, सॉरी, सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट को बताएगा, परचेज डिपार्टमेंट मेरे को गुड्स मिल गए, जो मैंने परचेज एक्विजिशन भेजा था ना तुम्हें, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, जो मैंने परचेज एक्विजिशन भेजा था, जिसके अगेंस्ट तुमने मुझे परचेज ऑर्डर भेजा था, वो मेरे को सामान मिल गया है। तो वो जब सामान मिल जाएगा तो उसका एक गुड्स रिसीव नोट GRN, वंस अगेन GRN की तीन कॉपीज बनेगी, गुड्स रिसीव नोट की तीन कॉपीज बनेगी। गुड्स रिसीव नोट किस किस के पास रहेगा, नंबर एक तो स्टोर्स या प्रोडक्शन परचेज, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या जो भी सर्विस डिपार्टमेंट जिसने मंगवाया, एक कॉपी तो वो अपने पास रखेगा, एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट का, परचेज डिपार्टमेंट जो मैंने तुम्हें रिक्विजिशन भेजी थी, जिसके अगेंस्ट तुमने मुझे परचेज ऑर्डर की एक कॉपी भेजी थी, मेरे को ये सामान मिल गया, थैंक यू। और तीसरा, भैया हेलो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रिकॉर्ड कर ले, सामान आ गया मेरे पास, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर कहीं सामान वापस कर दिया जाता है, अरे यार तुमने तो गलत सामान भेज दिया यार, ये तो गलत हो गई यार, अभी हमने खोल के देखे डब्बे तो पता चलता है यार, हमने तो चॉकलेट मंगाई थी, तुमने तो लेट दे दी, चौक तो दी नहीं, या चौक दे दी, चॉकलेट तो दी नहीं, वट एवर एक्स वाई जी, मजाक छोड़ो, वो हम क्या करेंगे, मटेरियल रिटर्न नोट के साथ उसको वापस कर देंगे, और मटेरियल रिटर्न नोट की एक कॉपी अपने पास रहेगी, मटेरियल रिटर्न नोट की एक कॉपी हमारे पास रहेगी, एक कॉपी सप्लायर को भेज दी जाएगी, एक कॉपी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। बिन कार्ड क्या होता है, बिन कार्ड इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ द
डेटा, इसमें क्या ऑफ द मटेरियल विच इज प्रिपेयर्ड बाय होम स्टोर कीपर, इसमें क्या क्या होता है, डेट, यूनिट्स के रिसिप्ट, इश्यूज के रिसिप्ट, बैलेंस के रिसिप्ट, कहीं फॉर्मेट आ जाए तो आपके दिमाग में, मैं इसीलिए विजुअलाइजेशंस इसीलिए दे रहा हूं। और क्या क्या होता है, लेवल्स होते हैं, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, और रीऑर्डर क्वांटिटी भी होती है ना जी। तो आप देखो, इट इज बेसिकली बिन नंबर डिस्क्रिप्शन, वो तो ठीक है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी। यूनिट्स क्या है, यूनिट किलो है, लीटर है, मीटर है, टन है, ठीक है जी, गैलन है, व्हाटएवर, वो यूनिट ऑफ मेजर भी होगा। रिसिप्ट की, रिसिप्ट वही, जब भी सामान आता है तो आपको याद है मैंने आपको क्या बोला था, जब सामान आता है तो स्टोर कीपर क्या करता है, गुड्स रिसीव नोट, जीआरएन इशू करता है, तो यूनिट्स और साथ में जीआरएन नंबर भी मेंशन कर देगा, ये यूनिट्स मेरे को रिसीव हुई है। जब वो इशू करेगा, इशू किसके अगेंस्ट करेगा, स्टोर्स एक्विजिशन या मटेरियल एक्विजिशन के अगेंस्ट, तो इसलिए एसआरएन लिखा हुआ है यहां पे। वंस अगेन, जब भी सामान आता है तो स्टोर कीपर क्या इशू करता है, जीआरएन, गुड्स रिसीव नोट की भैया, तो वो क्या करेगा, रिसिप्ट और जीआरएन, और जब इशू करेगा तो साथ में स्टोर्स एक्विजिशन और बैलेंस क्वांटिटी एज द केस में भी, और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम टू टाइम होता रहता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फिर उसका स्टोर्स लेजर, हु प्रिपेयर स्टोर्स लेजर, स्टोर्स लेजर इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इसको, इट इज नॉट ओनली कंसिडर, इसमें भी, इसमें भी यही चीजें होंगी, यूनिट्स, रिसिप्ट होंगे, सुनो, एक तो डेट का कॉलम होगा, रिसिप्ट होंगी, इश्यूज होंगी, बैलेंस होगा, लेकिन इसमें सिर्फ यूनिट्स नहीं होंगी, इट इज नॉट ओनली अ क्वांटिटेटिव डेटा, इट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज वैल्यू का डेटा, दैट इज यूनिट्स, रेट और अमाउंट, तीनों चीजें, रिसिप्ट्स की यूनिट्स, रेट, अमाउंट, इश्यूज की यूनिट्स, रेट, अमाउंट, बैलेंस की यूनिट्स, रेट, अमाउंट, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें होगी, ठीक है जी। इट इज अ क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू का डेटा। सो द कॉस्ट ऑफ इज मेंटेन्स अ स्टोर लेजर इन अ सेपरेट अकाउंट फॉर विच हर इन्वेंटरी के लिए, हर तरह के मटेरियल के लिए जो इसको बनाया जा सकता है। इट इज जनरली मेंटेन इन अ लूज लीफ फॉर्म, मतलब अलग अलग कागज जो कि फिर एंड में फाइल में फाइलिंग कर दिया जाता है, बिकॉज दे कैन बी रिमूव्ड एंड इंसर्टेड इन द लेजर कन्वीनियंटली। वैसे एक बात बताऊं, आई एम सो ग्लैड कि जो आपने चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। आईसीआई ने जो सिलेबस अभी रिवाइज किया है भैया, हेलो, इसी बार क्लियर कर लेना। और वैसे तो आगे तीन अटेम्प्ट है, बट तीन अटेम्प्ट आप लोगों के लिए नहीं है, आप दे रहे हो, आपका क्लियर हो जाना चाहिए, कहानी खत्म, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब आईसीआई ने ऑब्वियसली कई सारी चीजें और भी ऐड की, उनमें से एक छोटी सी चीज क्या, आज की डेट में स्टोर्स लेजर यार कौन फिजिकली बना रहा है, बहुत कम बना रहे हैं यार आज की डेट में, तो ई इलेक्ट्रॉनिकली बन रहे हैं भाई, ये तो आज सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। और मजे की बात क्या है, ये अभी भी कहा ऐसे जरूर जाता है, लेकिन आज की डेट में आईटी को मिक्स कर दिया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज की डेट में ईआरपी पैकेजेस आ गए हैं, आई एम सो ग्लैड। आज की डेट में जब भी सामान इधर से उधर होता है, हर एक चीज की डॉक्यूमेंटेशन यूं होती है, और सबके पास कॉपीज, फिजिकल भेजने की जरूरत नहीं, कॉस्ट कितनी कम हो गई है। मजे की बात क्या है, यहां पे ध्यान से सुनना, मेरे पास आया सामान, स्टोर्स रिक्विजिशन आया जी, ये सामान जो है इशू करना है, ये सामान, ये वाला सामान जो है मेरे को इशू करना है, मेरे पास एक स्टोर्स रिक्विजिशन आया, मैं स्टोर कीपर हूं, मटेरियल रिक्विजिशन या स्टोर्स रिक्विजिशन आया, मैंने उसको स्कैन किया, ऑटोमेटिकली उसकी एक कॉपी सीधा सीधा ईआरपी पैकेज, सीधा एक कॉपी मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास चली गई, ठीक है जी। एक मैंने उसको स्कैन किया तो मेरे पास एक रिकॉर्ड, सारा कुछ सॉफ्ट में है। टुडे द थिंग इज सो डैम इजी, बट हाँ, उसको फिर मेंटेन करना पड़ेगा, उसको एक सिस्टम को, ग्रिड को बनाना पड़ेगा। तो आज की डेट में ये सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो फिजिकल मूवमेंट्स थी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, वो बहुत ही कम हो गई है, वेरी लेस। आज की डेट में देखो, परचेज ऑर्डर ऐसे फिजिकली थोड़ा ना जाते हैं भाई, मैंने इतने परचेज ऑर्डर दिए पिछले 3-4 साल में, हम लोग तो ई ऑर्डर्स ही देते हैं आज की डेट, मतलब वी प्लेस ई ऑर्डर्स एंड वी मेक पेमेंट्स बाय बैंकिंग जनरल डायरेक्टली सीधा। आज की डेट में चेक, मैं ये नहीं कहता नहीं देते हम चेक, हम चेक से भी पेमेंट करते हैं, से मुझे जितने इक्विपमेंट खरीदने होते हैं उसके 25-30% मैं चेक से पेमेंट करता हूं, बट 70-75% आई मेक द पेमेंट सीधा, आरटीजीएस कराओ जी, कहानी खत्म। आज की डेट में बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, बस हमें मेल से उनको ई ऑर्डर हमारे लेटर हेड पे भेजना होता है, टुडे इट इज सो इजी। तो ये अभी सिर्फ कहानीबाजी है, अब आईसीआई ने जो रिवाइज सिलेबस है उसमें उन्होंने ये ई का भी चीजें जो है थोड़ी थोड़ी डाल दी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी थ्योरी में उन्होंने मर्ज कर दी है, एंड दैट इज रियली वेरी गुड कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंसिडरेशन में रख के फिर डॉक्यूमेंटेशन करो। तो लूज लीफ में अभी कोई करना चाहता करे, लेकिन स्टिल आज की डेट में जो है कंप्यूटराइजेशन के हिसाब से जो है वो हो रहा है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ नेक्स्ट। सो एंट्रीज आर मेड फ्रॉम गुड्स रिसीव्ड रिपोर्ट्स या गुड्स रिसीव्ड नोट्स, इनवॉइसेस, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप्स, मटेरियल रिटर्न नोट्स, एंट्रीज आर मेड टू दोज
फ्रॉम बिन कार्ड्स वगैरह इन सब से एंट्री करके हम लोग जो है एज द केस में भी मनी वैल्यू शो कर देते हैं लेजर में। अब आगे स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट याद है, एक डेट का कॉलम होता है, रिसिप्ट के तीन कॉलम होते हैं यूनिट्स रेट अमाउंट, इश्यूज के तीन कॉलम होते हैं यूनिट्स रेट अमाउंट, बैलेंस के तीन कॉलम होते हैं यूनिट्स रेट अमाउंट, या एज द केस में भी कई ऐसे मेथड्स होते हैं जिनमें रेट का कॉलम बैलेंस में नहीं बनता। डू यू रिमेंबर? कई सारे मेथड्स होते हैं इश्यूज के, इफ यू रिमेंबर वेरी गुड, इफ यू डोंट रिमेंबर जल्दी से रिकैप देता हूं। सुनो जी, ऐसा है टोटल मिला के मैंने यहां 12 रख रखे हैं, बट दो और जल्दी से बता दूंगा। वैसे मेनली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फीफो, लीफो और परपेचुअल वेटेड एवरेज, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकली वही आए हैं। तो स्टोर्स लेजर अगर आता है तो प्रैक्टिकली फीफो लीफो वेटेड एवरेज आता है, बट पता सब कुछ होना चाहिए क्योंकि कोर्स में सारे रखे गए हैं। वन बाय वन आइडेंटिफाइबल कॉस्ट मेथड या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, इसमें क्या होता है, हर इन्वेंट्री का एक्चुअल परचेज प्राइस, हर इन्वेंट्री का सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एक्चुअल परचेज प्राइस पे। फीफो में क्या होता है, जो फर्स्ट इन वाला होता है उसको फर्स्ट आउट करते हैं, राइट, जो अर्लीस्ट परचेज है उसके हिसाब से उसकी यूनिट्स, उसका रेट पहले। प्लीज ये ध्यान से सुनना, लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स लेटेस्ट इन को, सामान को के प्राइस को हम लोगों ने लेना है। ये ध्यान देना कि लेटेस्ट इनके सामान के प्राइस को, है ना। मैंने फिजिकल मूवमेंट का कहानी अलग बोली थी क्योंकि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड द स्टोर कीपर। स्टोर कीपर अपने हिसाब से जो इशू कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वंस अगेन, फीफो में क्या है, जो फर्स्ट इन आया, जो मेरे पास पहले आया, वो वाला रेट पहले लूंगा। लीफो में क्या है, जो लेटेस्ट इन वाला रेट है वो पहले लूंगा, जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो उससे हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो में क्या होता है, जो भी मेरे पास पीछे जितना भी सामान पड़ा उनमें से जो हाईएस्ट इन वाला रेट है वो सबसे पहले चिपकाओ, वो सबसे पहले इशू के लिए यूज करो। परपेचुअल वेटेड एवरेज में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स, है जी, टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल हेल्ड एज ऑन दिस डेट, जब भी इशू कर रहा हूं उससे, इशू करने से जस्ट पहले कितनी टोटल कॉस्ट है मेरे पास सामान, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स हेल्ड एज ऑन दिस डेट, जब मैं इशू कर रहा हूं तब कितना है। पीरियोडिक में क्या होता है, पूरे पीरियड का एक निकालना जाता है वेटेड एवरेज, पूरे पीरियड के जितनी भी सामान मेरे पास रहा है जिस मर्जी डेट पे इशू हुआ हो। अब पीरियोडिक मंथली भी हो सकता है, एज द केस में भी क्वार्टरली भी हो सकता है, किसी भी तरीके से होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस डिवाइड बाय हमारी यूनिट्स, जितनी भी हमारी यूनिट्स हेल्ड है। फिर इसी तरीके से मूविंग एवरेज, डू यू रिमेंबर मूविंग एवरेज, मैंने आपको स्टॉक मार्केट से लिंक करके बताया था, मूविंग एवरेजेस सबसे ज्यादा जो यूज होती हैं वो स्टॉक मार्केट्स में यूज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वंस अगेन हम लोग क्या करते हैं, एक पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, ये पांच महीने का मैंने पीरियोडिक रेट निकाल दिया है। पीरियोडिक रेट निकाला, ये आया 5 रुपए, ये आया 6 रुपए, या 5.5, ये आया 6.5, ये आया 7.5, व्हाटएवर, ये मेरे पीरियोडिक रेट आ गए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर 3 मंथ्स मूविंग एवरेज लेना है तो ये जैसे जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, तो इस केस में क्या करना है, इसका मूविंग एवरेज में क्या होगा, इन सब का टोटल 5 + 6 + 5.5 / 3, ये मेरा मार्च का मूविंग एवरेज रेट हो जाएगा, एन एवरेज विच मूव्स विद द चेंजिंग डेटा। फिर अप्रैल में क्या हो जाएगा, 6 + 5.5 + 6.5 / 3, ऐसे करके। इसका मैंने आपको एक लास्ट इलस्ट्रेशन, लास्ट सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे कभी आया नहीं है एज द केस में भी, बट स्टिल यू नेवर नो। पीरियोडिक सिंपल एवरेज में क्या होगा, पूरे पीरियड के जितने भी रेट्स हैं, जितने भी रेट्स हैं उन सारे रेट्स को सम करो, जितने भी रेट्स हैं उन सारे को सम करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेट्स कर दो, दैट इज पीरियोडिक सिंपल एवरेज। देन उसके बाद बारी आती है मूविंग सिंपल एवरेज मेथड। मूविंग सिंपल एवरेज मेथड में भी इसी तरीके से क्या जाएगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले हर महीने का, सबसे पहले हर महीने का आपने रेट निकालना है पीरियोडिक। स्टेप वन, पीरियोडिक रेट निकालो। स्टेप टू, उनका जितना भी पीरियड है, 3 महीने 4 महीने, उनका मूव करते रहो, लेटेस्ट डेटा को लेके आओ, अर्लीस्ट डेटा को आउट कर दो। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट प्राइस या मार्केट प्राइस मेथड। इसमें क्या है, एक्चुअल परचेस प्राइस कितने का था उससे कोई लेना देना नहीं है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से इशू करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज परपेचुअल सिंपल एवरेज मेथड या सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। इस तरीके से आपने क्या करना है, जो भी हमारा सामान पड़ा है, जितना भी हमारे पास सामान पड़ा है, सुनना मेरी बात, सामान की, सामान का हिसाब किताब फिजिकल क्वांटिटी, अब मैं इसको प्रैक्टिकली नहीं दिखाना चाहता, इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। फिजिकल क्वांटिटी जो है हम लोग लेते हैं फीफो के हिसाब से, ये मैंने लिखा भी हुआ नीचे लास्ट पैराग्राफ में, अगर आप देखोगे ये चीज आपकी पॉकेट बुक और मेन बुक में भी लिखा हुआ है, द लॉट विच इज एग्जॉस्टेड, और लिखवाया भी हुआ है, द लॉट विच इज एग्जॉस्टेड ऑन द अजम्पशन ऑफ फीफो मेथड इज फॉलोड इन द फिजिकल मूवमेंट। तो हमने क्या करना है, फीफो के हिसाब से फिजिकल मूवमेंट और उनके रेट्स लेने हैं, और डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द रेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेट्स, ऐसे करके हमने सिंपल एवरेज प्राइस। बट प्लीज
यही मेथड्स नहीं है, इसके अलावा और मेथड है, एक स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है जिसमें एक ही प्राइस पहले से ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आप फॉलो करते हो तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड फॉलो किया जाता है। उसमें क्या है, आपका एक्चुअल प्राइस क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल खरीदा कितने का है उससे कोई लेना देना नहीं है, इशू करना है तो स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से करना है। एक है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस में क्या होता है, आप अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देते हो, जो सामान खरीदा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था, दारू वारू खरीदी हमने, है जी, उसको दारू को हम लोग जो है खरीदी है या बनाई है एज ए केस में, हम उसको जो है स्टोर करके रखते हैं और फिर उसकी स्टोरेज का खर्चा जो है उसमें इन्फ्लेट कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, कैरिंग कॉस्ट उसमें ऐड कर देते होते हैं कुछ अगर ध्यान हो तो, एज द केस में भी, तो वो इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड है। बट स्टिल एनी हाउ ये वाले मेथड्स जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं नहीं कहता कि नहीं आ सकते। एक बेस स्टॉक मेथड भी होता है। बेस स्टॉक मेथड में क्या होता है, हम लोग कोई भी कुछ लिमिटेड स्टॉक जो है, छोटा सा स्टॉक जो है वो हम अपने पास मान के चलते हैं लीस्ट प्राइस वाला। टेक एन एग्जाम्पल, हमने कहा 500 यूनिट्स और लीस्ट प्राइस वाली लेट से ₹4 का प्राइस है, ये हमारे पास बेस स्टॉक, ये हमारे पास हमेशा पड़ा रहेगा। और अब आगे जो बेस स्टॉक मेथड में, उसके आगे आप अपने फीफो मेथड लगाना है। इस बेस स्टॉक, कुछ स्टॉक को छोड़ दो जो लीस्ट प्राइस की एक क्वांटिटी है उसको छोड़ दो, और जो इश्यूज करने हैं, अब चाहे आप फीफो लगाओ, चाहे आप लीफो लगाओ, चाहे आप वेटेड एवरेज मेथड लगाओ, एज द केस में भी, ठीक है जी। तो ये सारे मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यूज हैं, बट स्टिल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो है फीफो, लीफो और परपेचुअल वेटेड एवरेज। इनका एक एग्जाम्पल एटलीस्ट देख लेना ढंग से, तमीज से, जो आपको हैंडआउट दिया था उसमें जो पहला सवाल था उसमें बहुत है, वो एक क्वेश्चन में ही अपने आप में समझा देता है।